हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आप लोगों को यह जानकर काफ़ी ज़्यादा खुशी होगी कि मैं कक्षा 6 की अंग्रेजी की 8 ग्रेड अभ्य पुस्तिका लेके आ चुका हूँ, वो भी 2024 और 25 की, यानी कि जो आप लोगों को स्कूल द्वारा जो नई 8 ग्रेड अभ्य पुस्तिका मिली है कक्षा 6 वालों के लिए, तो मैं उसका संपूर्ण सोल्यूशन लेके आ चुका हूँ। पार्ट 1 से लेके पार्ट 12 तक संपूर्ण सोल्यूशन लेके आ चुका हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस प्रकार से आप लोग समझ आए, आपको एक बुक मिली है यानी किताब मिली है, और जैसा कि आप लोग वहाँ पर देख सकते हो 8 ग्रेड अभ्य पुस्तिका अंग्रेजी कक्षा 6 और वर्ष 2024-25, यानी कि जो नई वाली बुक का मैं संपूर्ण सोल्यूशन यहाँ पर करने आने जा रहा हूँ। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पर आपके सामने अनुक्रमण का दी गई है, यानी पार्ट के नाम दिए गए हैं और पार्ट दिया है। तो पहला पार्ट आप लोग सामने है द ट्री। तो पहले पार्ट से लेके लास्ट का पार्ट आपका है 12, जिसमें लगा है बीरबल एंड द भाषा मैन। तो आपके पार्ट 1 से लेके पार्ट 12 तक का इसी वीडियो में, मात्र एक ही वीडियो बना रहा हूँ, इसमें आपको पूरा सोल्यूशन दिया जाएगा पूरी किताब का, ठीक है। तो आपको अलग अलग वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मोली इसी वीडियो में आप लोग 1 से लेकर 12 तक देख सकते हो, ठीक है। और चलिए तो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आप लोग सामने एक जानकारी और दे दूँ, कक्षा छठी वाले जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को यहाँ तक देख चुके हैं यहाँ तक, सब लोग बेटा चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखो सब्सक्राइब करना आप लोग फ्री है, आप लोग भी जानते हैं, लेकिन इससे फायदा क्या होगा, आप जिस प्रकार से आप 8 ग्रेड अभ्य पुस्तिका अंग्रेजी की पूरी भारत में भरवा दूंगा मैं, इसी प्रकार से आप लोग कमेंट करेंगे सर हिंदी की लाइए, विज्ञान की लाइए, समाज की लाइए, तो मैं पूरे विषय की 8 ग्रेड अभ्य पुस्तिका लाने वाला हूँ, ठीक है। साथ ही जब आपके पेपर होने वाले हैं 3 मासिक 8 मासिक 5 परीक्षा, तो उनके में पेपर के में मॉडल पेपर आऊँगा, जिससे आप लोग और तैयारी कर सको, अच्छी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी लाऊंगा ताकि आप लोग अच्छे नंबर से पास हो सको, ठीक है। तो पास होना तो आप लोग जानते ही हैं, तो फ्री में सब्सक्राइब करना तो सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। हाँ तो चलिए शुरू कर दें, एक आप जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, ठीक है। हाँ लाइक कर दिया, चलिए तो शुरू करते हैं लेसन 1 द ट्री। तो इसका मैं सब सोलह करने जा रहा हूँ। सब पता बनाएंगे आप लोग सामने यहाँ पर बस्ट में प्रश्न, जिनको हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन। तो ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन में आप लोग सामने सब पता रहेगा एक क्वेश्चन, और क्वेश्चन से संबंधित रहेंगे चार ऑप्शन में से आपको एक को सही करना। जैसे पहला लिखा आप लोग सामने यहाँ पर द बनियान ट्री इज ईयर ओल्ड, मतलब जो बनियान ट्री था यानी बरगद का पेड़ था वो कितने साल पुराना था। तो आपको पता है तो आप लोग बता सकते हो, जिनको नहीं पता तो उनकी जानकारी में बता दूँ, कई 50 साल पुराना था, यानी कि 50। यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाता है, वो आपको यहाँ पर 50 लिख देना है, ठीक है आंसर में। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आपके सामने दूसरा, जिसमें लिखा है वेयर डू बी गेट फ्रेश एयर फ्रॉम। तो इसमें आपको ट्री मतलब कि जो पेड़ होते हैं वो हमें क्या हवा देते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर तीसरा, जिसमें लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इन इज एन इंसेक्ट। तो क्या हम इसको फॉलोइंग करते हैं, आंट मतलब जो चींटी होती हैं वो इनको क्या कर रहे हैं इंसेक्ट कहती हैं। तो इस प्रकार से आप लोग बी ऑप्शन सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर चौथा, जिसमें लिखा था व्हाट इज द सिमिलरिटी बिटवीन द गार्ड ग्रैंडमा एंड द बनियान ट्री। तो यहाँ पर हो जाएगा व्हाट आर ओल्ड, मतलब जो अपनी दादी माँ थी यानी ग्रैंड माँ थी, उन पे बोलती हैं कि मेरे ही जन्म जब मैं छोटी थी जब मैं इसको देख रहा हूँ तो मैं भी 50 साल की हो गई हूँ, तो वो भी 50 साल का हो गया है। तो इस प्रकार से आप लोग सामने आपको क्वेश्चन नंबर चौथे का आंसर कंप्लीट हो जाता है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर पाँचवा, जिसमें लिखा है पैक आउट द वर्ल्ड विच हैज ए साइलेंट लेटर, मतलब कि इन चार ऑप्शन दिए गए, चार ऑप्शन में साइलेंट लेटर जो जिसमें है तो आप वो लिख सकते हो। तो इसमें जैसे हम सेडी पढ़े बॉक्स स्विंग काल्प, तो काल्प एक साइलेंट शब्द ही है, तो इसमें डी ऑप्शन आपका सही हो जाता है। तो स्टूडेंट इस प्रकार से आप सामने आप 5 आपके जो बच्चों में पसंद दिए गए हैं क्वेश्चन दिए हैं वे आपके कंप्लीट होते हैं। इसी क्रम में हम बढ़ते नेक्स्ट आप लोग सामने यहाँ पर रिक्त स्थानों की पूछी गई है, यानी कि फिल इन द ब्लैंक्स, इंग्लिश बोलते हैं फिल इन द ब्लैंक्स, हिंदी बोलते हैं रिक्त स्थानों की पूछी गई है। तो यहाँ पर आप लोग सामने यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए हैं, जो आप यहाँ पर देख सकते हो, इन्हीं में से आपको कुछ चीज़ें नीचे दिए गए हैं बर्ड, इन्हीं में से टीप के मतलब इसमें सही क्रम में बैठाना। तो चलिए उनको हम देख लेते हैं। इनको देखने से पहले मैं यहाँ पर कुछ का भी दे दूँ, कक्षा छठी वाले जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को यहाँ तक देखे सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेने बेटा। तो बहुत से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कक्षा छठवीं वाले ही किए हैं, पूरे बच्चे जुड़ चुके थे। अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एक बार, वो बोलूँ क्योंकि बेटा सब्सक्राइब करने से आपको ही फायदा होगा कि जब आपकी सितंबर में 3 मास परीक्षा होगी, अगस्त फिर आपकी सितंबर के बाद आज से परीक्षा होगी, फिर आपकी होगी कौन सी बाद से परीक्षा, आप लोग इस प्रकार से परीक्षा के लिए मैं मॉडल पेपर आऊँगा, आपकी तैयारी पूरी फुल कराऊंगा, इसलिए आप लोग से निवेदन है चैनल को सब्सक्राइब करके ही रखना। चलिए जैसे कि आप लोग देख सकते हो फिल इन द ब्लैंक्स, तो पहला लिखा आप लोग सामने यहाँ पर ए प्लांट ग्रो व्हाट ऑफ सीड, मतलब इसमें आ जाएगा सीड। दूसरे में लिखा ए लिटिल सीड वाज, इसमें आ जाएगा बरीड, बी यू डॉलर आई डी, ये आ जाएगा बरीड। और तीसरे में आपको प्लांट, ठीक है,
स्मेल है। आठवां एलिमेंट प्लांट पर यहाँ पर आ जाएगा इंटू, ठीक है, द प्लांट ग्रो इंटू द ये बैक्टीरिया, और यहाँ पर आ जाएगा वह फोर, क्या आ जाएगा फोर। तो इस प्रकार से आप लोग सामने क्वेश्चन नंबर 6 से 10 तक आपके ये रिक्त स्थान है यानी फिल इन द ब्लैंक है, जो कि आप लोग इस प्रकार से भर सकते हो जो मैंने बता दिए। अगला क्वेश्चन आप लोग सामने यहाँ पर आंसर द टाइप क्वेश्चन, जो आप लोग सामने लगे प्रश्न को उत्तर एक शब्द या एक वाक्य में देना, देखिए क्या एक शब्द या एक वाक्य में देना है, जो कि आप लोग पहला क्वेश्चन है आपके सामने है व्हाट इज द लेसन अबाउट, मतलब कि ये लेसन है किसके बारे में, इसका आंसर लगेंगे द लेसन अबाउट ए ट्री, द लेसन इज अबाउट ए ट्री, मतलब पेड़ के बारे में है। दूसरा लगा आप लोग सामने द यानी कि रेंज द लेटर मेकिंग द मीनिंगफुल, मतलब जो उल्टे सीधे शब्द दिए गए यहाँ पर इनको सही क्रम, तो इसमें आ जाएगा आपका विलेज वी आई डबल एल ए जी आ जाएगा, इसमें आ जाएगा ब्रांच बी आर ए एन सी एच, तो इस प्रकार से आप लोग इनको भर देना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा था द राइट द राइट द फर्स्ट टेंस ऑफ ग्रो, और ग्रो को आपको फर्स्ट टेंस में कन्वर्ट करना है, तो इसमें आ जाएगा ग्रो जी आर ई डब्ल्यू लिख देना है ग्रो। अगला क्वेश्चन नंबर 14 जिसमें लिखा है राइट द नेम ऑफ एनी टू वर्ड दैट लाइव एंड ट्री, तो इसमें आंसर आ जाएगा आपको पैरट एंड क्रो, मतलब कि तोता और कौवा, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर ना अगला देखते हैं, तो अगला क्वेश्चन नंबर आपके यहाँ शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, मतलब कि एक से दो वाक्यों में लिखना है। तो पहले क्वेश्चन के लिए क्वेश्चन नंबर 15 जिसमें लिखा है व्हाट आर द अदर थिंग्स वी गेट फ्रॉम द ट्री व्हिच आर नॉट मेंशन इन द लेसन, मतलब कि इसका अर्थ हुआ है कि जिनको ट्री संबंधित जो सोच है उसमें मेंशन नहीं किया वो आंसर लिखना है, तो इसमें आप लोग इस प्रकार से करेंगे, जिसमें लगा इस प्रकार से इसमें लिखा है फ्रूट्स बोर्ड्स और मेडिसन ईटीसी, ये आपके हो जाएगा इसका सही आंसर है। अगला आप लोग सुनो क्वेश्चन नंबर 16 जिसमें लगा है व्हेन डू द फेसरवाई सेट अंडर द ट्री, मतलब कि जो अंडर द ट्री मतलब पेड़ के नीचे कौन बैठता है, ठीक है, तो इसका आंसर लगेंगे द फेसरवाई सेट अंडर द ट्री टू टेक द रेस्ट ऑफ सम टाइम, मतलब कि सभी लोग कुछ टाइम के लिए यहाँ पर पेड़ के नीचे हम लोग आराम करने के लिए बैठते हैं, रेस्ट मीन्स आराम, आया समझे, हम लोग भी पेड़ के नीचे कभी कभी रुक जाते हैं बैठ लेते हैं, तो ये आराम कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कंप्लीट हुआ, क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं राइट द कंपेरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री ऑफ डीप एट टाइल, मतलब कि इसका यह हुआ है कि अपन को कंपेरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री बनानी है, डीप की बनानी है टाइल की बनानी है, ठीक है, डीप की हुआ डीपल डीपेस्ट और टेलर टेलेस्ट, तो ये आपके क्या है सुपर कंपेरेटिव भी और सुपरलेटिव आपकी कंप्लीट हो जाती है, जो कि आप लोग वीडियो को रुक इसको भी लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 18 हाउ डू यू टेक केयर ऑफ द ट्री इन योर एरिया, तो मतलब आपके एरिया में मतलब आपके क्षेत्र में कौन सा पेड़ है, तो उसके बारे में थोड़ा बहुत लिख सकते हो, तो इसमें लगोगे आप लोग एक मिनट एरिया केयरफुली सॉरी इसको आप यहाँ हुआ कि अगर आपके पास एरिया क्षेत्र में कोई मतलब पेड़ लगा तो उसकी आप लोग देखभाल कैसे करोगे, तो यहाँ पर लगा है वाटरिंग योर ट्री राइट अवे विल हैव सेटल द सोइल एंड द मंच एंड दैट एंड इट विल गिव ए टू रूट्स मॉइस्चर दे नीड टू स्टार्ट ग्रोइंग, मतलब कि हम लोग उसको पानी देंगे एवं उसकी गुड़ाई करेंगे और उसकी देखभाल करेंगे तो हमारा पेड़ अच्छा ग्रो करेगा, ठीक है, ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19 में लगा था लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, मतलब ये थोड़े बड़े हैं, ठीक है, दी गुत्ते प्रश्न है। क्वेश्चन तो आप लोग सामने राइट 5 सेंटेंस अबाउट द बनियन ट्री, मतलब बनियन ट्री के बारे में आपको 5 सेंटेंस लिखने, 5 वाक्य लिखने हैं, तो चलिए हम लिखते हैं यहाँ पर इस प्रकार से, ठीक है। पहला वाक्य हो जाएगा आपका यहाँ से द बिग बनियन ट्री हैव ए लार्ज साइज लीव्स, और दूसरा इट हैज ए लॉन्ग लाइफ एंड कैन लाइव अप टू 300 ईयर, और तीसरा बिलोंगिंग टू मार्कस फैमिली इज 35 नेम इन द फ्यूगल बनियन ऑफ द इंडियन बनियान, चौथा बनियन ट्री ग्रो ऑल ओवर ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल एरिया ऑफ इंडिया पाकिस्तान मतलब सभी जगह भी पाया जाता है, पाँचवा द बिगेस्ट बनियन ट्री लोकेटेड इन द इंडिया बोटनिकल गार्डन इन हाउस वेस्ट बंगाल, तो इस प्रकार से आप लोग 5 पूरे आपके लिए कम्प्लीट हो जाएगा, कोई आप लोग लिख सकते हो। अगला क्वेश्चन नंबर 20 जिसमें लगा है आप सामने यहाँ पे पेजेस दी गई है, इस पेजेस को आपको पहले ध्यानपूर्वक पढ़ना है, पेजेस को पढ़ने के बाद इसी से संबंधित नीचे क्वेश्चन दिए हैं, इन क्वेश्चन के आंसर देना है। पहला क्वेश्चन दिख लिया, पहला क्वेश्चन लिखा है पहला क्वेश्चन जी है हु टेल अबाउट द बनियन ट्री, तो इसका आंसर लिखना है आपको ग्रैंड मा टेल अबाउट द बनियन ट्री, मतलब कि आपको बनियन ट्री के बारे में किसने बताया, तो इसका आंसर लगेंगे ग्रैंड मा टेल अबाउट द बनियन ट्री, मतलब बने मैंने बरगद पेड़ के बारे में मुझे मतलब कि ग्रैंड मा ने बताया नहीं दादी मा ने बताया। दूसरा लिखा आप लोग सामने यहाँ पर द डे द सन सून इट ओपनर से वाइड वर्ल्ड रेफर, तो लोग द वर्ल्ड इट रेफर टू लिटिल ट्री, ठीक है,
अगला क्वेश्चन नंबर तीसरा, जिसमें लिखा वेयर वाज द लिटिल सीड बरीड, तो इसका आंसर लिखा ए लिटिल सीड बरी इन द सोइल। इस प्रकार से अगला क्वेश्चन नंबर 14, द ट्री ग्रो आउट ऑफ लिटिल सीड चेंज द सेंटर इन टू द पास्ट टेंस, मतलब इसको पास्ट में कन्वर्ट करना, तो पास्ट में आपको सिंपल समझ आ जाएगा, सिर्फ यहाँ पर चेंज हो गया, तो इस प्रकार से हम इसको ग्रो कर देंगे कि आपको पास्ट में चेंज हो जाए, तो इसका आंसर ये है। और राइट द अपोजिट ऑफ बैक, बैक का मतलब कि उल्टा क्या होगा, तो स्लिप होगा, स्लिप। इस प्रकार से आप लोग सामने आ पाए, आपका ये पार्ट ऑफ आपका पूरा कंप्लीट हो जाए, तो इस प्रकार से आप लोग सामने कक्षा छठवीं का इंग्लिश की एट के डब्बे पुस्तक का एक पार्ट कंप्लीट होता है। अगर आप कहते हैं तो सब आप लोग देख सकते हो लेसन टू का स्विंग। चलिए तो जैसा कि आप लोग सामने इस प्रकार से आपके मतलब लेसन टू का मतलब फ्रंट पेज है, जिसमें आप लोग सामने बताया गया है कि झूले के बारे में बताया गया है, ठीक है, और झूले से संबंधित हम आपको कुछ कुछ क्वेश्चन पूछेंगे इसमें, वो आपको आंसर भी बताना है। तो जैसे कि आप लोग सामने सबतम रहेंगे बस टू ऑप्शन है, यानी कि ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन, चार ऑप्शन रहेंगे, चार ऑप्शन में से आपको एक सही करना है, ठीक है। तो पहले ही देख लेते हैं हम लोग, तो पहला लिखा है यहाँ पर सही विकल्प चुनकर लिखिए, और पहला लिखा है व्हाट टेक्स द चाइल्ड अप इन द एयर, तो इसका आंसर क्या होगा, तो चलिए इसका आंसर बता देते, तो इसका आंसर हो जाएगा स्विंग, मैंने कि झूला, और जो आपको स्विंग यहाँ पर लिखा है इसमें टिक करके यहाँ पर जो आंसर लिखा है यहाँ पर लिखते जाना है, ठीक है, ऐसा है, इस प्रकार से करते जाए। चलिए इस प्रकार से पढ़ते नेक्स्ट को, नेक्स्ट ऑप्शन है दूसरा, दूसरे में लिखा है द चाइल्ड सी रिवर ट्री एंड केटल, तो इसका आंसर की बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोग सामने यहाँ पर सी ऑप्शन, सी ऑप्शन में लिखा है भैन ही इज अप इन द एयर, मतलब सी ऑप्शन आपका जी सही आंसर हो जाता है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन को, नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर तीसरा, तीसरे में लिखा है हु इज द पोएम ऑफ द पोएम द स्विंग, मतलब हु इज द पोएट ऑफ द पोएम द स्विंग, तो इसका इस पोएम के पोएट का नाम क्या है, तो इसका रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन, ठीक है, तो इनके पोएम लिखी है जिसने, तो इनके पोएट का नाम है उन कवि का नाम दिया गया, तो आपका तीसरे का ए ऑप्शन सही हो जाता है, जो कि आपको आंसर की जगह पर यहाँ पर लिख देना है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन को, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग सामने चौथा, चौथे में लिखा है चूज द एंड राइट द राइमिंग वर्ड ऑफ द वर्ड, तो वर्ड का आपको राइमिंग वर्ड बताना, राइमिंग वर्ड कहलाते हैं तुकबंदी, ठीक है, तो तुकबंदी आपको यहाँ पर हो जाएगा बी का वर्ड हो जाएगा, सब वर्ड का हो जाएगा साइड, ठीक है, क्वेश्चन नंबर चौथे का बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर पाँच, जिसमें लिखा है फाइंड द अपोजिट वर्ड ऑफ द राइट, तो इसका हम लोग अपोजिट करना है, ठीक है, तो इसका हो जाएगा राइट का हो जाएगा ट्री, तो इस प्रकार से आप लोग सामने यहाँ पर सही आंसर कंप्लीट हो जाता है, ठीक है, तो इसका सी ऑप्शन सही है, जो कि आपको इसमें लिख देना। तो स्टूडेंट आप लोग सामने क्वेश्चन नंबर एक से क्वेश्चन नंबर पाँच तक के मैंने सभी विकल्प यानी बस टू ने प्रश्न कम्प्लीट करवा दिए हैं। चलिए अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, तो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग सामने यहाँ पर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति करने से पहले मैं आप लोग जानकारी के लिए बता दूँ, कक्षा छठी वाले जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को यहाँ तक देखे हैं, जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेटा चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बिल्कुल फ्री है सब्सक्राइब करना, कोई पैसा नहीं है, वो आपको इससे फायदा भी होगा सब्सक्राइब करने से, क्योंकि जिस प्रकार से आप लोग सामने इंग्लिश के एट के डब्बे पुस्तक है, इसी प्रकार से मैंने आपके ये छः विषय हैं, तो छः विषय के एट के डब्बे पुस्तक डाल दिए हैं, अगर आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पर जाकर आप लोग देख भी सकते हो। तो चलिए हम लिखते स्टार्ट करते हैं, फिलिंग द ब्लैंक्स आपको कुछ प्रकार से दिए जाने, इस बॉक्स में आप लोग सामने यहाँ पर जे दिए गए हैं, ठीक है, तो इन्हीं में से चुनकर आपको बराबर कि आपको इनको चुनकर इनमें से आपको रिक्त स्थान में सही क्रम में व्यवस्थित करना है कि कहाँ पर क्या आने वाला है, ठीक है, आया समझ। चले तो पहले में हम बात करते हैं, तो पहले में आएगा आप लोग सामने यहाँ पर पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, तो पहला क्वेश्चन लिखा है यहाँ पर द स्विंग इज द थिंग दैट द चाइल्ड कैन डू, तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोग सामने यहाँ पर प्लीज सेंटेंस, ठीक है, तो ये आपका सही आंसर प्लीज सेंटेंस, तो इसमें पहले हमने प्लीज सेंटेंस, दूसरा लिखा है यहाँ पर आई लुक डाउन ऑन द गार्डन, यहाँ पर दूसरे में आ जाएगा गार्डन, ठीक, गार्डन ग्रीन, और अगर तीसरे की बात करें तो तीसरे में लिखा है आप लोग सामने यहाँ पर कि स्काई इज ब्लू, मतलब स्काई इज ब्लू, और इसके आगे लिखा है कि द रूफ इज ब्राउन, मतलब कि आपको इसमें ब्राउन आ जाएगा, इसमें आपको वाइट भाज देना है, इस प्रकार से आप पाँचवीं बार नहीं दस पहले में आपको कैटल भाज देना, तो इस प्रकार से वीडियो को रुक कर आप लोग अपने रिक्त स्थान भर लीजिए, ठीक है। चलिए बढ़ते इसी क्रम के नेक्स्ट को, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, मतलब आप लोग सामने आपको क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं जो काफ़ी सरल हैं, मतलब एक या दो शब्दों में लिखना है, तो हम पहला देख लेते हैं, तो पहला लिखा आप लोग सामने ग्यारहवां क्वेश्चन लगा व्हाट इज द पोएम अबाउट, मतलब ये पोएम किसके बारे में दिखाई है, व्हाट इज द अबाउट पोएम, तो इसका आंसर हो जाएगा द पोएम इज अबाउट स्विंग, स्विंग क्या जाएगा, ये स्विंग का आंसर सही है, तो इस प्रकार से आप लोगों के सामने वीडियो को रुक कर आपको पूरा का पूरा आंसर लिख देना है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा है व्हाट इज द प्रेजेंट टेंस
थिंग्स फॉर ए चाइल्ड इन ए स्विंग, मतलब क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा है व्हाट इज द प्लीजेंट थिंग्स फॉर ए चाइल्ड इन स्विंग। तो इसके आंसर की बात करें तो इसका आंसर आ जाएगा गो अप इन स्विंग। क्या हो जाएगा? गो अप इन द स्विंग, जी आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 लगा है द चिल्ड्रेन प्ले इन ग्राउंड रीड द अबव सेंटेंस हु चूज द नाउन एंड राइट इन द स्पेस गिवन। तो नाउन बनाना साथ में स्पेस भी देना है, तो इसका आंसर हो जाएगा चिल्ड्रेन एंड ग्राउंड। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, जो कि आप लोग वीडियो को रुक रुक कर आंसर लिखते जाएं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 जिसमें लगा है राइट द अपोजिट फ्लो ऑफ डाउन, मतलब जो राइट अपोजिट ऑफ डाउन का क्या हो जाएगा? तो डाउन का हो जाएगा हाई, डाउन माने नीचे तो हाई माने ऊंचा, तो इसमें हाई आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 15 में देखते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 15 है आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जो कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ऑन द वन और टू सेंटेंस, मतलब एक से दो वाक्यों में लिखना है। चलिए तो पहले क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 15 जिसमें लगा है विच कलर इज मेंशन ऑफ गार्डन एंड इन विच स्टेंजा। तो इसका आंसर लिखेंगे आप लोग मेंशन वाला, इसमें लिखना ग्रीन कलर इज द मेंशन ऑफ गार्डन एंड इट इज मेंशन इन द थर्ड स्टेंजा। ठीक है, तो इसमें आपका ये सही आंसर हो जाता है, जो कि आप लोग वीडियो को रुक पूरी तरह से लिख भी सकते हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 16 जिसमें लिखा है क्वेश्चन नंबर 16 व्हाट डज चाइल्ड सी व्हेन ही इज अप इन द एयर। तो इसकी हम बात करते हैं, तो इसका आंसर की बात करते हैं, इसका आंसर हो जाएगा चाइल्ड सी ट्री, सॉरी चाइल्ड सी रिवर ट्री कैटल एंड ऑल ओवर द कंट्री साइड। तो ये आपका सही आंसर हो जाता है क्वेश्चन नंबर 16 का, जो कि आप वीडियो को लिख सकते हो। अगला क्वेश्चन नंबर 17 जिसमें लिखा है 17 में इट स्टेंजा फॉर द कलर ऑफ द रूफ इज ब्राउन व्हाट इज द कलर ऑफ द रूफ योर। तो इसका आंसर आप लोग इस प्रकार से लिखना है द कलर ऑफ द रूफ ऑफ माई हाउस इज वाइट। ठीक है, तो इसका आपका जो हो जाएगा, ठीक है, तो इस प्रकार से आप वीडियो ग्रुप का क्वेश्चन नंबर 17 का भी आंसर लिख लेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 18 जिसमें लिखा है राइट द हु पार्ट पेयर्स ऑफ राइमिंग वर्ड फॉर्म द पोएम द स्विंग, मतलब आपको ये राइमिंग वर्ड छाटना आपकी, मतलब जो पोएम थी उसमें से, जैसे कि बॉल का ऑल हो जाएगा, डाउन का ब्राउन हो जाएगा, तो ये आपके राइमिंग वर्ड हैं, जो कि आप लोग इसमें से लिख सकते हो। और इसके अंग अगर हों तो ठीक है, नहीं है बस दो ही है, दो को आप लिख लेना है। फिर आपके सामने आ जाते हैं लॉन्ग आंसर का क्वेश्चन। ठीक, तो मतलब कि यहाँ पर आपके दी गुत्ती पसंद आ जाती थोड़ी बड़े वाले, जिनको हमको लिखना है। तो यहाँ पर लगा था आपका अरेंज द लाइन ऑफ द लास्ट टू स्टेंजा ऑफ द पोएम इन द प्रॉपर ऑर्डर, मतलब इसका अर्थ ये होता है कि इसमें उल्टी सीधी मतलब कि लाइनें लिख दी गई हैं, मतलब अरेंज कर दी गई हैं। ठीक है, परंतु इसमें आपको दो स्टेंजा मतलब कि दो पंक्ति बोल सकते हैं या दो पैराग्राफ बोल सकते हैं, जो आपके मतलब कि पोएम में दी गई हैं वो नीचे लिखना है, उन्हें व्यवस्थित तरीके से जमाना है। तो भी आपकी दो जो स्टेंजा दी गई थी वो उसमें अरेंज कर दी गई, मतलब उल्टी सीधी लिख दी गई हैं। अब इन्हें व्यवस्थित तरीके से जमाना है, तो कैसे जमाएंगे? तो चलिए पहली हो जाएगी आपकी यहाँ से अप इन द एयर एंड ओवर द बॉल टिल आई कैन सी सोस वाइड रिवर एंड ट्री एंड द कैटल एंड ऑल द ओवर कंट्री साइड। तो ये सब आपके इसी पेड़ में मिल जाएंगे। ठीक है, तो जो मैंने यहाँ पर छाट कर लिख दी, पहली ये हो जाएगी स्टेंजा, दूसरी स्टेंजा आपकी ये है जिसको आप लोग लिखेंगे टिल आई लुक डाउन ऑन द गार्डन ग्रीन डाउन ऑन द रूफ सो ब्राउन अप इन द एयर आई गो फ्लाइंग अगेन अप इन द एयर एंड डाउन। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोग क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर पूरा कंप्लीट हो जाए, जो कि आप लोग वीडियो को रोक पूरी तरह से आप लोग लिख भी सकते हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आप लोग सामने आप क्वेश्चन नंबर 20 जो आप लोग सामने आप लिखा रीड द फॉलोइंग पोएम केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो, मतलब इसका अर्थ ये होता है कि जो आप लोग सामने यहाँ पर क्या दी गई है, जो पोएम दी गई है, ठीक है, इस पोएम पहले सब आपको ध्यानपूर्वक अच्छी तरह से पढ़ लेना है। तो इसी से संबंधित कुछ नीचे क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन क्वेश्चन के आपको आंसर देना है। तो पहले क्वेश्चन देख लेते, क्वेश्चन लिखा है गिव सब टाइटल द पोएम, मतलब सब टाइटल क्या है, तो आप लोग रेबिट है, ठीक है, रेबिट हो जाएगा इसमें और आगे हैबिट है, तो रेबिट वेट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा लिखा है व्हेन यू लाइक टू ईट निबल लाइक रेबिट इज, तो इसका हो जाएगा क्रंच एंड चियो, जी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग सामने यहाँ पर आंसर इसमें ढूंढ के लिख दिया नीचे, तो आपका सही आंसर। अगला क्वेश्चन फाइंड आउट टू पेयर ऑफ राइमिंग वर्ड, मतलब राइमिंग वर्ड ढूंढना है, तो रेबिट हैबिट हो जाएगा, क्रेप्सी और जेप्सी हो जाएगा। ठीक है, तो जिस प्रकार से आप लोग सामने रेबिट हैबिट क्रेप्सी इस प्रकार से इनके जो राइमिंग वर्ड छोड़ छोड़ के अपन ने इसमें लिख लिया, तो आप लोग भी लिख लेना। क्वेश्चन नंबर 14 लगा राइट द नाम ऑफ द टू फ्रूट्स गिवन इन द पोएम,
मतलब पॉइंट से संबंधित दो फलों के नाम लिखना, तो इसमें हो जाए एक तो हो जाए एप्पल, एक हो जाए ग्रेप्स, मतलब सेब और अंगूर। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हो जाए। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा फाइंड वर्ड्स फ्रॉम द पोएम टू फिल द इन द ब्लैंक्स, तो इसमें हो जाएगा क्रेप्सी, इसमें हो जाएगा जूसी। तो इस प्रकार से आपके सामने यहाँ पर पूरे पूरे आंसर अच्छी तरह से मैंने आपके सामने बताए हैं। आशा करता हूँ आप लोगों का पार्ट 2 कंप्लीट हो गया होगा। ठीक है, आप लोग सामने लेसन 3 द किंग एंड द स्पाइडर एक पार्ट का नाम दिया गया, तो इसी से संबंधित कुछ क्वेश्चन होंगे, उन क्वेश्चन का आंसर हम लोग यहाँ पर लिखेंगे अपनी बुक में। चलिए, तो पहला आप लोग सामने यहाँ पर कुछ पार्ट दिया है, इसको पढ़ना चाहो तो पढ़ भी सकते हो, ठीक है, नहीं तो हम आप लोगों को सामने यहाँ पर बस 2 ने प्रेजेंट कराएंगे। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हो सब बता रहेंगे आप लोग सामने यहाँ पर बस 2 ने प्रेजेंट, जिसमें आप लोग सामने यहाँ पर सही विकल्प दिए जाएंगे। एक क्वेश्चन है, उससे संबंधित 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से आपको एक को सही करना है। तो पहला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। पहला क्वेश्चन लगा आप लोग सामने यहाँ पर हाउ वेयर द पीपल इन द किंग एंड किंगडम, तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोग सामने यहाँ पर हैप्पी, मतलब कि वहाँ के राज्य राजा और राज्य से कौन खुश था, तो वहाँ के पीपल खुश थे, तो हैप्पी हो जाएगा, नहीं डी ऑप्शन हो जाएगा। और डी ऑप्शन पर आपको टिक करके वह नीचे आंसर लिखाना, यहाँ पर आंसर में लिख देना है। अगला आ जाता हूँ क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें लगा है वेयर डिड द किंग हाइड हिमसेल्फ, मतलब कि जो आपके सामने जो राजा था तो वो क्या कर, मतलब कि हम सेल्फ नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा एन ए कैफ, तो आपका ए ऑप्शन सही हो जाता है। वो ए ऑप्शन पर आपको क्लिक करके, मतलब कि टिक करके आगे इसमें आंसर की जगह पर लिख लेना है। अगला क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें लिखा है स्ट्रेंगल इज द लॉ ऑफ, तो इसमें जो है प्रोग्रेस, तो इसमें आपको प्रोग्रेस लिख देना है। क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें लिखा है व्हाट शुड यू डू इफ यू फेल टू डू समथिंग, तो क्वेश्चन नंबर 4 के आंसर की बात करें तो इसमें कीप ऑन ट्राइंग, क्या जाएगा कीप ऑन ट्राइंग, मतलब एक बार फिर से कोशिश करो। क्वेश्चन नंबर 5 में की बात करें अपोजिट ऑफ द वर्ल्ड डिफीट इज, मतलब जो आपके सामने यहाँ पर जो डिफीट शब्द दिया गया है तो इसका क्या करना अपोजिट बनाना है, तो इसका अपोजिट क्या होगा, तो इसका अपोजिट हो जाएगा विक्ट्री। तो ये आपका डी ऑप्शन पर क्लिक करके इसको विक्ट्री को सही करके इसका आंसर लिख लेना है। तो स्टूडेंट इस प्रकार से आपके सामने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 5 तक आपका पूरी तरह से आंसर कंप्लीट हो जाते हैं। अब चलिए हम पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ने से पहले फिर से मैं आप लोगों से कहता हूँ, अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कक्षा 6 वाले जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं सभी लोग बेटा चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, इससे आपको ही लाभ होने वाला है, क्योंकि मैं आपके जो पेपर होंगे तो पेपर लेके आऊँगा और आपको बताऊँगा, तो आप लोग अच्छे नंबर से पास हो जाओगे। अगर आप लोग पेपर चाहते हो तो आप लोग जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। चलिए इस प्रकार से आप लोग सामने क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर कंप्लीट हो जाता है। चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट को। नेक्स्ट आप लोग सामने आप फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स कहलाता है रिक्त स्थानों की पूर्ति करें, तो रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। तो सब प्रथम आप लोग सामने यहाँ पर एक बॉक्स दिया जाएगा, इस बॉक्स में आप लोग सामने यहाँ पर आंसर दिए गए हैं, परंतु इन आंसर को हमको सही क्रम में व्यवस्थित करना है, कहाँ पर क्या करना है। तो पहले वाले में हम लिखते हैं, तो पहले में लिखा लक डिड नॉट हिम स्टेज, तो इसमें फेवर आ जाएगा। दूसरा लिखा द किंग गॉट हिज, तो इसमें कॉन्फिडेंस आ जाएगा। दूसरे वाले में आपको कॉन्फिडेंस बनना है। तीसरे वाले में लिखा द स्पाइडर कैप्ट ऑन ट्राइंग, तो तीसरे वाले कैप्ट ऑन आ जाएगा। चौथे वाले में आपको सार में भरना है SAWAR। पाँचवें वाले मैंने कि 10वें वाले में नहीं भरना है। तो स्टूडेंट इस प्रकार से आप लोग सामने यहाँ पर क्रम बाय क्रम आप लोग सामने यहाँ पर पूरे आपके रिक्त स्थान बता दिए गए हैं, जो कि आप लोग वीडियो को रोककर पूरी तरह से क्रम अनुसार भर भी सकते हो। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग सामने आपका क्वेश्चन नंबर 11, जो कि आपके सामने यहाँ पर क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं। क्वेश्चन आंसर आपके सामने यहाँ पर पहले एक शब्द एक वाक्य में, लेकिन छोटे क्वेश्चन आंसर हैं। जैसे पहले क्वेश्चन देखते हैं, पहला क्वेश्चन लगा है व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ द किंग, मतलब कि जो राजा था तो उसकी क्या विशेषता थी, थोड़ा बहुत आप लोग बता सकते हैं लिख सकते हैं। तो उसका यहाँ विशेषता थी द क्वालिटीज, धन की द क्वालिटीज ऑफ किंग आर वाइज एंड ब्रेव एंड काइंडनेस, मतलब कि जो राजा था उसकी कुछ क्वालिटी थी कि वह मतलब बुद्धिमान था और बहादुर था और काइंडनेस मतलब कि दयालुपनता भी दिखाता था, ठीक है। तो इस प्रकार से आपके सामने आप एक क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर पूरा कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें हु डॉट, तो यानी हॉट थॉट टू लेसन द किंग, तो इसका आंसर लिखोगे द स्पाइडर थॉट ए लेसन टू द किंग, मतलब इस पार्ट में राजा किससे सीखता है या क्या सीखता है, तो इसका हो जाएगा इस पार्ट में राजा स्पाइडर मकड़ी से सीखता है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं व्हाट इज द पास्ट टेंस ऑफ वरी, मतलब जो वरी लिखा है तो इसका पास्ट टेंस क्या हुआ, तो वरी का पास्ट टेंस हुआ वरीड, ठीक है। वाई हटा के पढ़ना IED जोड़ दी है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं मेक ए कंपाउंड ऑफ द बेथ रेन एंड ड्रॉप, तो रेन ड्रॉप का हो जाएगा
जुड़ेंगे तो हम लोग कंप्लीट करेंगे, तो इसका हो जाएगा लर्न ड्रॉप। इस प्रकार से आपको लिखना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, जिसमें लगा है 15 दिखते हैं, हाँ जिसमें लगा है कि आंसर द क्वेश्चन इज, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन जो आपको एक से दो वाक्यों में लिखना है, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन देखते हैं, पहला क्वेश्चन लगा आप लोग सामने आ, व्हाट हैपेंड टू द सोल्जर आफ्टर दे हैड लॉस्ट द बैटल। तो इसका आंसर हो जाएगा द किंग लास्ट बैटल एंड हाइड हिमसेल्फ ए गैप। तो इसका जी आपका आंसर यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा, क्योंकि आप लोग वीडियो को रुक कर पूरी तरह से लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 में लगाया, व्हाट डिड द किंग लर्न फ्रॉम द स्पाइडर। मतलब कि जो आपके सामने आया है जो स्पाइडर बनी हुई मकड़ी, मकड़ी से राजा ने क्या सीखा। तो इसका आंसर लिखेंगे द किंग लर्न फ्रॉम द स्पाइडर इट एट द फर्स्ट वी डोंट सक्सेस वी शुड ट्राई अगेन। मतलब कि जो राजा था उसने मकड़ी से सीखा कि अगर अपन लोग फर्स्ट बार में सफल नहीं होते हैं तो अपन को एक बार फिर कोशिश करनी चाहिए, ट्राई करते रहना चाहिए। तो आप लोग उसमें जैसे मान लीजिए अगर आप लोग एक बार फेल हो गए हो तो आपको दोबारा पढ़ना चाहिए, दोबारा फेल हुए तो तीसरा तीबारा भी आपको पढ़ना चाहिए, ताकि आप लोग एक ना एक दिन तो आप पास हो ही जाए। तो इस प्रकार से राजा का कहना है कि आपको ट्राई अगेन करते रहने की कोशिश करती रहनी चाहिए। आया समझे, चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें तो जिसमें लगा था द स्पाइडर सक्सेड इन ए क्लीन इन द मतलब बॉल स्पाइडर हैड ए गिवन अ व्हाट द बोल्ड हैपेंड। तो क्या घटित हुआ था जी सब लिखना पूछ। तो इसमें आ जाएगा इफ द स्पाइडर हैड गिवन अप द किंग नेवर गोट इज कॉन्फिडेंस बैक। मतलब कि राजा थक के बैठ गया था, परंतु उसने जैसे स्पाइडर को देखा, मतलब कि मकड़ी को चढ़ते फेंकते देखा, तो उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस आया, मतलब कि उसके अंदर एक आत्मविश्वास जगह और उन्होंने दोबारा कोशिश की। अगला क्वेश्चन नंबर 18 जिसमें लगा अरुण लक्ष्मी एंड द रोहिणी। तो इसका अंडरलाइन द नाउन, मतलब नाउन को अपन को क्या करना है, इसमें छांटना है। तो नाउन इसमें हो जाएगा अरुण रश्मि रूही एंड रिवर। तो एक क्या है जी सब नाउन है जो कि अपने छांट के इसमें लिखनी है। अगला क्वेश्चन होता है आप लोग सामने आपका क्वेश्चन नंबर 19 जिसमें हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पर लिखा है आप लोग सामने 19 वाले में, राइट ए लेटर योर फ्रेंड्स इनवाइटिंग हर हेम ऑफ द योर बर्थडे पार्टी फोर द ब्रैक्स। मतलब इसका कहने का यह है कि आप लोग सामने नीचे लेटर दिया गया है, उसमें कुछ खाली स्थान छोड़ दिए हैं, लेकिन परंतु हमने उन खाली स्थान की जगह पर हमने एक बॉक्स को बना दिया है। इस बॉक्स में से आपको ये आंसर दिए गए हैं, इनमें से छांट छांट के सही क्रम में जमाओ, ठीक है। तो देखो हम जमाएंगे तो पहले हम लोग लिख देंगे यहाँ पर अपने मोहल्ले का नाम, मतलब कि जिसको हम भेजना चाहते हैं, तो एड्रेस लिख दिया है। एड्रेस आप लोग अपने मन से भी लिख सकते हो, ठीक, क्योंकि इसमें एड्रेस नहीं बताया गया है। फिर परंतु यहाँ पर डेट दी गई है, तो डेट यहाँ पर 28/12/2023 दी गई, जो आप लोग देख सकते हो। और डियर में आपको रमेश लिखना है, तो रमेश यहाँ पर लिखा है। होप यू फाइन, तो फाइन क्यों लिख देना है जो कि यहाँ पर दिया गया था, तो इसी में से छाँट छाँट के अपन ने लिखे। तो आप लोग यहाँ पर फाइन लिख देना है, यहाँ पर बर्थडे लिख देना है, यहाँ पर आपको डेट डाल देना है, यहाँ पर पार्टी, यहाँ पर होम, यहाँ पर गेट खुले, यहाँ पर सून। तो इस प्रकार से आप लोग वीडियो गुरु का अपने बुक में पूरी तरह से कंप्लीट नहीं भर सकते हो। आया समझ में, चलो इसी प्रकार से बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग सामने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 20 जो कि आप लोग सामने थोड़ा बहुत बड़ा है, इसमें आपको क्या करना, कुछ नहीं करना, बस यहाँ पर एक पेसेज दी गई है उसको केयरफुली पढ़ना है, मतलब इसको सही क्रम में अच्छी तरह से पढ़ना है। और इसी से संबंधित कुछ क्वेश्चन दिए गए, उन क्वेश्चन को आपको इस वजह से ढूंढ के इसके नीचे लिख लेना है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, वेयर यहाँ पर लगा, वेयर डिड द किंग हाइड हिमसेल्फ। तो इसका आंसर हो जाए द किंग हिमसेल्फ हाइड ए कैब। तो इसका पहले का आंसर ये लिख देना है। दूसरा, हाउ वाज ए किंग फीलिंग इन द कैब। तो इसका आंसर लिखेगा आप लोग फीलिंग द, तो ही वाज वेरी सैड वरीड। तो इसका ये क्वेश्चन नंबर दूसरे का आंसर कम्प्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर तीसरा लिखा है, हाउ मैनी टाइम्स डिड द स्पाइडर ट्राई कैब। तो इसका जो है मैनी टाइम, तो जी आंसर आपका सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर चौथा लिखा आप लोग सामने, द स्पाइडर केप फॉर गोइंग। तो इसमें आ जाएगा अप, यहाँ पर आ जाएगा डाउन। तो यहाँ पर अप डाउन आप लोग सही क्रम में व्यवस्थित कर सकते हो। अगला क्वेश्चन नंबर 5 जिसमें लगा है हाइड, हाइड का आपको पास्ट फॉर्म बना है, तो हाइडन हो जाएगा HIDEN। तो इस प्रकार से आप लोग सामने आंसर पूरी तरह से मैंने कम्प्लीट करा दिया हूँ। आशा करता हूँ आप लोगों को जरूर समझ आए होंगे। फिर आपको किसी में कन्फ्यूजन है आप लोग बेहचक हमें कमेंट करके बता सकते हो। तो इसमें तो सामने देख सकते हो लेसन 4 माई चाइल्डहुड, मतलब कि मेरा बचपन। तो लेसन 4 का 4 है, वो आपका जो 4 पार्ट का नाम दिया है माई चाइल्डहुड। तो इसका मैं संपूर्ण सोच आपके सामने यहाँ पर कराने जा रहा हूँ। तो आप लोग देख सकते हो आपका जो पहला पेज है इस पर कहा दिया गया है, यहाँ पर महात्मा गांधी जी बने हैं। तो जी अपने मतलब बचपन की कुछ यहाँ पर कहानी बताई है, तो उनसे संबंधित कुछ आंसर पूछे गए हैं, तो सॉरी क्वेश्चन पूछे हैं, तो उन क्वेश्चन के आंसर हम लोगों को लिखना है अपनी बुक में। तो किस प्रकार से लिखना वो मैं बताऊंगा, और साथ ही आप लोग अपने बुक में नोट करते जाएंगे, लिखते जाएंगे।
तो सर्वप्रथम आप लोग सामने यहाँ पर रहेंगे, सर्वप्रथम यहाँ पर बस्ट ऑनरेशन है यानी कि सही विकल्प, जो कि आप लोग सामने यहाँ पर चार ऑप्शन दिए जाएंगे, चार ऑप्शन में से आपको एक को सही करना है। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, जिसमें लगा है द लेसन माई चाइल्डहुड इज अबाउट स्टोरी अबाउट, मतलब कि जो आपके चाइल्डहुड यानी कि मेरा नया बचपन, मेरा बचपन है जो, वो किसके मतलब कि किसके बारे में वो कहानी है। तो हमने जब पहले ही बताया था कि महात्मा गांधी जी के बारे में कहानी है, तो आप लोग इसमें महात्मा गांधी पे टिक कर देना कि इस वाला बी ऑप्शन आपका सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर दो, जिसमें लगा है श्रवण कुमार पेरेंट्स वेयर, तो जो श्रवण कुमार है उनके पेरेंट्स मतलब कि, तो उसमें जगह ब्लाइंड, ठीक है, तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाता। क्वेश्चन नंबर तीसरा देख रहे हैं, तो क्वेश्चन नंबर तीसरे में लगा है हु ट्राई टू प्रोमोट गांधी जी, तो इसमें हो जाएगा टीचर, तो इसमें बी ऑप्शन आपका सही हो जाता है टीचर। अगला क्वेश्चन नंबर चौथा, जिसमें लिखा है वास्ट टेंस ऑफ द वर्ल्ड रिलेट ऐसे, तो हम किस रिलेट, तो इसमें रिलेटेड, क्या जाएगा बी ऑप्शन हो जाएगा रिलेटेड। तो इस प्रकार से आप लोग सामने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर चौथे तक आंसर सही हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर पाँच, जिसमें लिखा है गांधी जी स्टोरी इंस्पिरेशन अस भी, तो इसमें जाएगा यूथफुल, मतलब इस प्रकार से यूथफुल के लिए काफ़ी ज़्यादा लाभदायक है। तो इस प्रकार से आप लोग सामने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर एक से क्वेश्चन नंबर पाँच तक आपके सही बस टू रिपेशन कंप्लीट हो जाते हैं। आशा करता हूँ आप लोगों को जरूर समझ में आ रही है। तो चलिए बढ़ते नेक्स्ट हो, तो नेक्स्ट की ओर बढ़ने से पहले मैं एक आज बार आपको फिर से एक जानकारी दे दूँ, अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेटा चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, सब्सक्राइब करना आप लोग को फ्री है, ताकि आप लोगों के सामने जो पेपर होंगे तो उनके सोल्यूशन आपको मिल सके, वो आपकी अच्छी तरह तैयारी करा दी जाए, ठीक है। बढ़ते हैं, तो जैसे कि आप लोग सामने इस प्रकार आप लोग बस्ट में प्रेजेंट हुए, अब आएंगे आप लोग सामने यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स कराते हैं रिक्त स्थान की पूर्ति की जाए। तो रिक्त स्थान की पूर्ति यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर रिक्त स्थान की पूर्ति है जो वो आपके यहाँ पर बॉक्स में दिए गए हैं, तो इसमें आपके सामने आंसर दिए हैं, इन आंसर में से देख के इसमें को भरना है। तो पहले में आप लोग भरना है मिस पेलेट, ठीक है, दूसरे भरना आपको इंटरेस्ट, ठीक है। लो आप वीडियो को रोकें और भर लें, ठीक है, वीडियो को रोक के आप लोग भर भी सकते हो। अगला क्वेश्चन है आप लोग सामने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आठवां, तो क्वेश्चन नंबर आठवें लिखा आप लोग सामने यहाँ पर कि आपको क्वेश्चन नंबर आठवें में भरना आपको एडजेक्टिव और क्वेश्चन नंबर भरना रियली टीज, ठीक है, रियल टीज। तो क्वेश्चन नंबर नौ में भरना आपको रियल टीज और क्वेश्चन नंबर दस में भरना आपको नेवर, ठीक है, इस प्रकार से। तो कोई इस प्रकार से आप लोग सामने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर छः से क्वेश्चन नंबर दस तक आपके पूरे रिक्त स्थान कम्प्लीट हो जाते हैं। चलिए हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर ग्यारह की ओर, जो कि आपके सामने यहाँ पर आंसर द क्वेश्चन दिए गए, आंसर टाइप क्वेश्चन है, ठीक है, तो इनको आपको पूरी तरह से करना है। तो क्वेश्चन नंबर ग्यारह देखते हैं हम लोग, तो क्वेश्चन नंबर ग्यारह में आप लोग सामने वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है, मतलब वेरी मतलब एक वाक्य है, एक शब्द में आंसर देना है, ठीक। तो पहला क्वेश्चन देख लिया क्वेश्चन नंबर ग्यारह, जिसमें लिखा है हाउ ओल्ड वाज गांधी जी व्हेन ही लेफ्ट पोरबंदर ऑफ राजकोट विथ हिज द फादर, तो इस प्रकार से इसका आंसर देखेंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा गांधी जी, यहाँ से लिखना गांधी जी वाज अबाउट सेवन व्हेन ही लेफ्ट पोरबंदर फॉर ए राजकोट विथ हिज फादर, तो इस प्रकार से आप लोग पूरा आंसर, ये आपका क्वेश्चन नंबर ग्यारह का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर बारह लिखा है आप लोग सुना हु कम टू गांधी जी स्कूल फॉर इंस्पेक्शन, मतलब इंस्पेक्शन, हाँ, तो जो गांधी जी थे तो उनके स्कूल में कैसे मिला इंस्पेक्शन, तो अब लोग इसका आंसर लेंगे इस प्रकार जी हो जाएगा। तो मिस्टर गिल्स कम टू गांधी जी स्कूल और इंस्पेक्शन, तो इस प्रकार से आप लोग इंस्पेक्शन हो जाएगा आंसर, आप लोग सामने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर बारह का आंसर हो जाएगा, जो कि आप लोग वीडियो को रोक कर पूरी तरह से लिख सकते हो। अगला क्वेश्चन नंबर तेरह, जिसमें लगा री राइट द सेंटेंस यूजिंग द करेक्ट वर्ड ऑफ द ब्रेकफास्ट ब्रेकेट्स, ठीक है, तो जिस प्रकार से आप लोग यहाँ पर ब्रेकेट्स में जो आपके सामने सेंटेंस दिया है, तो इस सेंटेंस को एक दोबारा लिखना है हम लोग को अच्छी तरह से, ठीक है, तो इसका आंसर जी हो जाएगा माई बॉस एंड माई लेसन बेयर माई फ्रेंड, तो इस प्रकार से आप पूरी तरह से इसका ही आंसर अच्छी तरह से आप क्वेश्चन नंबर तेरह का आंसर पूरा लिख लेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर चौदह, जिसमें लिखा आप लोग सामने आप क्वेश्चन नंबर चौदह में व्हाट डू यू कॉल ए पर्सन हु कैन नॉट सी, तो इसका आंसर हो जाएगा ब्लाइंड, क्या हो जाएगा ब्लाइंड लिख देना, इसका आंसर हो जाएगा ब्लाइंड, तो यहाँ पर बी एल आई एन डी, ये आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर चौदह। क्वेश्चन नंबर पंद्रह देखते हैं, क्वेश्चन नंबर पंद्रह आपको सामने एक वाक्य या दो वाक्य में आंसर देना है, ठीक है, तो इसका आंसर देख ले। तो पहले क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर पंद्रह, पंद्रह में लिखा आप लोग सामने व्हाट वाज द नेम ऑफ द बुक ब्रॉट बाय गांधी जी फादर, तो जो गांधी जी हैं तो उनके उनके जो पिताजी थे गांधी जी के, तो उनके पिताजी ने कौन कौन सी उन्हें बुक खरीदवाई थी, तो वो लिखने, तो आप लोग सलमान
भक्ति नाटक है, ठीक है। तो सलमान शर्मा प्रयुक्त भक्ति नाटक लिखना है, तो इस प्रकार चालू जी आपका आंसर हो गया। तो यहाँ पास शर्मा की जगह पर लिखना है शर्मन, माँ के एम ए के बाद एन लिख देना, ठीक है। तो गलत एन सलमान लिखना है, शर्मा नहीं लिखना, सलमान ने प्रयुक्त भक्ति नाटक लगाया था, ठीक है। तो एन लिखना भूल गया, तो आप लोग एम ए के बाद एन लिख देना, ठीक है, सलमान हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 लिखा आपके सामने यहाँ पे, मेक सेंटेंस विद वर्ड पेरेंट्स एंड कॉम्बिनेशन, मतलब कि पेरेंट्स को और इसको जोड़कर वाक्य बनाने हैं। तो वाक्य किस प्रकार बनाएंगे, तो पहली वाक्य देख लेते हैं हम लोग, तो पेरेंट्स से संबंधित वाक्य आप लोग इस प्रकार बनाने हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा है माई पेरेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू मी, तो मतलब ये आपका हो जाएगा पहला बात। और दूसरा लिखा यहाँ पर वाई वॉन्ट टू विजिट ग्वालियर फोर्ट माई द कंपनी, तो इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर कंप्लीट हो जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 17 जिसमें लिखा है डू यू थिंक स्पीइंग थर्स्ट ए इज ए गोल्ड हैबिट गुड हैबिट, तो इसका आंसर लिखेंगे आप लोग यहाँ से, एस थिंक स्पीकिंग थर्स्ट इज ए गुड हैबिट बिकॉज विल बी ए रियल पर्सन आवर प्रोजेक्टिव बिकम्स मोर ए पावरफुल, तो ये आंसर आपका पूरी तरह से क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 18 में देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 18 में आप लोग सामने यहाँ पर जी आपके सामने यहाँ पर पास्ट और पास्ट प्रैक्टिकल दिए गए हैं, तो उनको सही क्रम में वो अच्छी तरह से व्यवस्था करेंगे, यानी कि जमाएंगे लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा है यहाँ पर रिमेम्बर्ड लिखाना, रिमेम्बर्ड और यहाँ पर परचेस्ट, तो इन दोनों को हम लोग ई ई डी जोड़ दिया है, यहाँ पर रिमेम्बर लिखा था, यहाँ पर परचेस्ट, तो इसमें ई डी जोड़ के हमने दोनों तरफ रिमेम्बर्ड यहाँ पर रिमेम्बर्ड और रिमेम्बर्ड लिख दिया, यहाँ पर परचेस्ट यहाँ पर परचेस्ट, तो दोनों तरफ को इसी प्रकार से आप लोग वीडियो को रोक पूरी तरह से लिख सकते हो। तो इस प्रकार से आप लोग सामने क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर कंप्लीट होता है। चलिए बढ़ते हम लोग नेक्स्ट को, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, तो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 में लिखा है हु हैव रीड अबाउट महात्मा गांधी इज द लेसन, व्हाट क्वालिटी महात्मा गांधी, व्हाट यू लाइक अबाउट द ब्राइट योर लाइफ, तो इसका अर्थ यही हुआ कि जो आप लोगों ने महात्मा गांधी जी का पाठ पढ़ा है तो उससे आपको क्या शिक्षा मिली है, और महात्मा गांधी जी की लाइफ की जो क्वालिटी है वो आपके जीवन में क्या असर करते हैं, वो सब लिखने हैं। तो जो सब हम लिखेंगे तो इस प्रकार से आप लोग इसका आंसर यहाँ से हो जाएगा। महात्मा गांधी इज ए यूनिवर्सली एक्सेप्टेड एज ए एग्जाम्पल मॉडल ऑफ द इथिकल एंड द मॉरल लाइफ, ही कंसिडरेड ए लाइफ ग्रोइंग फ्रॉम द ट्रस्ट ऑफ ट्रूथ 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 यूथ टू यूथ एवरी डे इज ए मॉरल एंड स्पिरिट, तो जो उनकी जो क्वालिटीज थी तो इस प्रकार से सेल्फ कॉन्फिडेंस एडवाइस डायमेंस वार्म्स यूथनेस पर्सन और जो है फोर है, तो इस प्रकार से आप लोग सामने यहाँ पर वीडियो को रोक पूरी तरह से आप लोग इनका आंसर पूरा कंप्लीट लेंगे, तो इस प्रकार से आप लोग क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर पूरा कंप्लीट हो जाता है। इसी क्रम में बढ़ते हैं नेक्स्ट को, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 लगा आप लोग सामने रीड द फॉलोइंग नोटिस केयरफुली एंड द आंसर द क्वेश्चन गिविंग ब्लू, तो आप लोग सामने एक नोटिस दिया गया है, जो आप लोग यहाँ पर नोट देख लें पहले सबसे, इस नोटिस को आप लोग सब पढ़ लेना, पढ़ने के बाद इससे संबंधित कुछ नीचे क्वेश्चन पूछे गए उन क्वेश्चन के आंसर देना है। तो किस प्रकार से देना है चलिए मैं बता देता हूँ। तो पहला क्वेश्चन लिखा है विच कॉम्पिटिशन विल बी हेल्ड इन स्कूल, तो इस लोगों स्टोरी टेलिंग कॉम्पिटिशन, मतलब जो नोटिस है वो किसके बारे में, तो वो जो है स्टोरी टेलिंग कॉम्पिटिशन के बारे में नोटिस दिया गया है। अगला क्वेश्चन नंबर दूसरा जिसमें लिखा है हु हैज राइटिंग दिस नोटिस, दूसरा है किरण चौबे स्कूल कैप्टन, मुझे लिखा है किरण चौबे स्कूल कैप्टन, इनके वजह से ये नोटिस जारी किया है, इन्हें लिखा है। अगला क्वेश्चन नंबर तीसरा जिसमें कहा है राइट द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन के मेरा नोटिस अबाउट ए कम्युनिटी, मतलब कि जो आपके सामने यहाँ पर नोटिस दिया है उसका मतलब कि डेट क्या है, तो वो हो जाएगा अभी 25 सितंबर 2023 नोटिस बोर्ड, तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर हो जाएगा, तो इस प्रकार से आप वीडियो को रोक कर लिख भी सकते हो। अगला क्वेश्चन नंबर चौथा जिसमें लिखा फाइंड आउट द वर्ल्ड विच हैज ए सम मीनिंग टेक ए पार्ट, पार्ट का हो जाएगा पार्टिसिपेट, ठीक है, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर पाँचवा लिखा है पार्टिसिपेट मैंने सबमिट देयर नेम्स 18 सितंबर, तो इसका मतलब पार्टिसिपेट मैंने सबमिट देयर नेम्स टू माई 18 सितंबर, तो इस प्रकार से आप लोग क्वेश्चन नंबर पाँच का भी आंसर हो जाएगा। तो स्टूडेंट इस प्रकार से आप लोग वीडियो को रोक पूरा आंसर आप लोगों ने कम्प्लीट कर लिया है, तो स्टूडेंट इस प्रकार से आप लोग सामने आपका ये माई चाइल्डहुड पार्ट आपका कम्प्लीट होता है, लेसन 5 है और द स्टार, तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हो लेसन 5 यानी लेसन 5 और द स्टार, ये द स्टार क्या पार्ट का नाम दिया गया है, तो इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन हैं, उन क्वेश्चन के आंसर हम लोग इस अपनी बुक में भरेंगे। तो पहले आप लोग सामने इस प्रकार से पार्ट दिया जाएगा, फिर पहले रहेंगे आप लोग सामने यहाँ पर बस्टोनी पेशन आप लोग सभी लोग जानते हैं, पहले एक क्वेश्चन रहेगा उससे संबंधित कुछ चार ऑप्शन दिए जाएंगे, चार ऑप्शन में से आपको एक को सही करना पड़ता है। तो पहला बस्टोनी पेशन दिया है द स्टार साइन लाइक द स्काई, तो इसके आंसर की बात करें तो इसमें हो जाएगा
मतलब ए डायमंड, मतलब कि सी ऑप्शन आपका सही हो जाता है। सी ऑप्शन पे आपको टिक करके और नीचे आपको लिख देना है खालिस्तान, जैसे आप लोग देख सकते हो यहाँ पर लिखा आंसर, तो यहाँ पर आपको लिख सकते हो, यहाँ पर लिख सकते हो, यहाँ पर भी लिख सकते हो। तो आप लोग वीडियो को रुक रुक कर लिखते जाएँ और बढ़ते जाएँ। चलिए बढ़ते नेक्स्ट को, नेक्स्ट आपके सामने आपको क्वेश्चन नंबर दूसरा लिखा है आप लोग सामने यहाँ पर, हु थिंक्स द स्टार इन द डार्क। तो क्वेश्चन नंबर दूसरे का आंसर की बात करें तो इसमें हो जाएगा ट्रेवल, क्या हो जाएगा ट्रेवलर, मतलब कि आपका ए ऑप्शन सही हो जाता है, जो कि आप लोग टिक करके नीचे लिख सकते हो। दूसरे को जाएगा ए ऑप्शन सही। क्वेश्चन नंबर तीसरा लगा व्हेन द सन डज नॉट शाइन इट बिकम्स, तो इसमें हो जाएगा डार्क, ठीक है, तो बी ऑप्शन का हो जाएगा डार्क, मतलब कि इसमें आपको क्वेश्चन नंबर तीसरे का आंसर जी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चौथा देखते हैं, तो क्वेश्चन नंबर लगा चौथे में लगा है द वर्ड टिनी स्पार्क डिस्क्राइब इन द लाइट ऑफ, तो इसका आंसर हो जाएगा स्टार, क्या हो जाएगा स्टार, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। वर्ड नेक्स्ट होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर पाँच, जिसमें लिखा है विच वर्ल्ड बेस्ट मैच मैचेज इन द पिक्चर, मतलब जो आपके सामने आप पिक्चर दिख रही है ये किससे मैच कर रही है, तो सब लोग जानते हैं डायमंड से मैच कर रही है, मिल रही है, तो हम इसमें ए ऑप्शन लगा देंगे डायमंड। तो क्वेश्चन नंबर पाँच का हो जाएगा डायमंड। तो इस प्रकार से आपके सामने क्वेश्चन नंबर एक से क्वेश्चन नंबर पाँच तक आपके सही बेस्ट में कंप्लीट हो जाते हैं। चलिए हम पढ़ते हैं नेक्स्ट को, तो नेक्स्ट आप लोग सामने फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स भरना हमको, ठीक है, तो किस प्रकार से भरना, चलिए वो भरते हैं। तो फिल इन द ब्लैंक्स भरने से पहले यहाँ पे आप लोग सामने यहाँ पे बॉक्स दिया जाएगा, ठीक है, उन बॉक्स में आप लोग सामने यहाँ पे आंसर दिए जाएंगे, तो उन आंसर को वैसे आपको छांट के फिल इन द ब्लैंक्स में भरना है। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हो ये बॉक्स है आप लोग सामने यहाँ पर, तो ये दिखा है, इन्हीं में से आपको भरना है। तो पहले में क्या आएगा वो हम सब बताने वाले हैं। तो पहले में भरना आपको लाइट, ठीक है भाई, LIGHTS, ठीक, लाइट से आएगा। दूसरे में भरना आपको C, मान होता है देखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर आठवां, जिसमें लिखा है, जिसमें लिखना आपको राइट, क्या WRIGHT, राइट मतलब चमकीला। फिर आपके सामने यहाँ पर नौ में भरना आपको स्मॉल और दस में भरना आपको ब्लाइंड। तो इस प्रकार से आप लोग सामने यहाँ पर रिक्त स्थान की पूर्ति कंप्लीट हो जाती है, जो कि आप वीडियो को रोक रोक कर अपने बुक में भर भी सकते हो। इस प्रकार से आप लोग फिल इन द ब्लैंक्स हुए। अब चलिए हम पढ़ते हैं नेक्स्ट को, नेक्स्ट आप लोग सामने यहाँ पर आंसर टाइप क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं, जो कि आपके सामने यहाँ पर छोटे ही छोटे क्वेश्चन के आंसर देना है। पहले क्वेश्चन देखते हैं वेयर डू स्टार ट्विंकल, मतलब वेयर डू स्टार ट्विंकल, तो मतलब कि तारे किस प्रकार से टिमटिमा रहे हैं, तो इसका लिखना है स्टार ट्विंकल इन द स्काई, मतलब तारे हैं, तारे कहाँ पर टिमटिमाते हैं, तो ये टिमटिमाते हैं आकाश में, यानी आसमान में, तो हमने स्काई लिख दिया है। अगला क्वेश्चन नंबर आपको सामने 12, जिसमें लिखा है हु इज द स्पार्क मेंशन इन द पोएम, तो इसका आंसर लिखेंगे इन द पोएम द स्पार्क इज मेंशन एज टिनी लिटिल, मतलब इसका आंसर इन द पोएम द स्पार्क इज द मेंशन एज द टिनी लिटिल हो जाएगा। ओके वर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 13, जिसमें लगा राइट द राइमिंग वर्ड ऑफ, तो इनका राइमिंग वर्ड बनाना आपको, तो सिल का हो जाएगा टेल और फिंगर का हो जाएगा ट्रेवल। तो इस प्रकार से आप लोग क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है। चलिए वर्ड नेक्स्ट को, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, जिसमें लगा पिक द अपोजिट ऑन द आउट एंड राइट, तो इसका आंसर हो जाए इनमें, तो इसमें अपना अलग क्या है, तो इसमें हो जाएगा रिवर हो जाएगा अपना अलग, क्योंकि सन माने सूर्य, स्टार माने तारे, स्काई माने आकाश, तो ये सब क्या है ऊपर है, वो जबकि रिवर कहाँ है नीचे है, ठीक है, तो नीचे बह दिए, तो इस प्रकार से आपको सुना है रिवर इसमें अलग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 में लगा है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जो कि आपको एक से दो वाक्य में लिखना है, ठीक, एक या दो वाक्य में लिख सकते हो। तो उसका क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, 15 क्वेश्चन लगा है देयर इज द समथिंग विच शो द लाइट When the blazing sun goes away, depart it, is it? तो इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हो जाएगा जी, जब लोग When the sun goes away and nothing shine upon then the little star so it light and twinkle whole night। तो जी आप लोग सामने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हो जाएगा, जो कि आप लोग वीडियो को रोक पूरी तरह से इसका आंसर लिख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 लिखा है Who could not see which way to go? क्वेश्चन नंबर 16 का हो जाएगा आंसर द ट्रेवलर कोड नॉट सी, तो इसका जी आंसर सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 17, जिसमें लगा व्हेन यू लुक एट द स्टार एंड एट नाइट व्हाट डू यू थिंक दे डू, तो इसका आंसर हो जाएगा द लिटिल स्टार सो इट्स नाइट एंड ट्विंकल होल नाइट, तो ये आपका इसका आंसर कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 18 में देखते अरेंज सॉरी रीअरेंज द जंपलेट लेटर एंड द राइट द मीनिंग फुल वर्ड, तो इसका अर्थ ये होगा कि उल्टी सीधे यहाँ पर मीनिंग दिए तो सही क्या मैं जाऊँगा एक मीनिंग बनाइए, तो ट्विंकल की स्पेलिंग ये थी, तो ट्विंकल मैंने लिख दिया है। अगला क्वेश्चन 19, जिसमें लगा था यहाँ पर डायमंड लिख देना, यहाँ पर ट्विंकल हो जाएगा। अब 19 देख रहे हैं, तो 19 में आप लोग सामने यहाँ पर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, जो आप लोग सामने रीअरेंज मतलब कि आज कह रहा है रीअरेंज द सेंटर
एंड राइट द नेम ए पैराग्राफ। तो हर थी होता है एक पैराग्राफ बनाना आपको इनका, क्या करना आपको पैराग्राफ बनाना है ठीक है। तो पैराग्राफ किस प्रकार से बनाया बताऊंगा, और इसमें आप लोग उल्टी सीधी दिए गए मतलब उल्टी सीधी लाइनें दी गई हैं, इनको सही क्रम में व्यवस्थित करना है। सीधा सीधा अर्थ ये है, तो सही क्रम में व्यवस्थित किस करेंगे, इस प्रकार से करेंगे। तो पहले आपको जे वाले लिखना, दूसरी में जे, तीसरी में जे आ जाएगी, चौथी में जे आ जाएगी, पांच में जे आ जाएगी, ठीक है। इस प्रकार से आपको चाहना है, पांच दी गई हैं, पांच लाइन आपकी पूरी तरह से व्यवस्थित तरीके से हो गई हैं, जो कि आप लोग वीडियो को रोक कर लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 20 में है, रीड द फॉलोइंग स्टेंजा केयरफुली एंड द आंसर था इस क्वेश्चन है ग्लू ब्लू। तो उनका कहने का रहता है कि जी आपको जो है स्टेंजा दी गई, इसको पूरा ध्यानपूर्वक पढ़ें, और इससे संबंधित कुछ नहीं जो क्वेश्चन दिए गए हैं उनको ध्यानपूर्वक दें। तो क्वेश्चन देखते हैं, तो क्वेश्चन लगा पहला, व्हेन डू द स्टार्स शो देयर लिटिल लाइट। तो इसका आंसर लगेंगे, व्हेन द ब्लेजिंग सन इज द गॉन देन द स्टार्स शो देयर लाइट लाइट। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर पहले का आंसर जो आपका कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर दूसरा लगा आप लोग सामने यहाँ पर, हाउ डू द स्टार साइन ऑल द नाइट। तो इसका आंसर हो जाएगा जी, द स्टार ट्विंकल एंड साइन ऑल नाइट लॉन्ग। तो जी आंसर सही है। क्वेश्चन तीसरा लगा है, व्हाट डज द वर्ड ही रेफर टू इन द अबव पोएम। तो इसका ही रेफर टू स्काई। तो ये क्वेश्चन तीसरा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चौथा लगा, राइट द राइमिंग वर्ड फॉर गॉन फ्रॉम द अबव पोएम। तो इसका हो जाएगा अपॉन। तो जी आपका सही आंसर है। क्वेश्चन पांचवा लगा, राइट टू थिंग डेट यू सी इन द स्काई डूइंग। तो डे का हो जाएगा आप लोग सामने सन, यहाँ पर क्लाउड, और नाइट हो जाएगा मून और स्टार। तो इस प्रकार से आप लोग सामने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 20 का भी आंसर कंप्लीट हुआ है, और इस प्रकार से सुखा दें। तो सब पता आप लोग देख सकते, यहाँ पर देख सकते हो लेसन 6 द टेस्ट। तो आप लोग सामने लेसन 6 को कराने जा रहा हूँ। तो सब पता आप लोग सामने इस प्रकार से पेज दिया गया है, जो कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो ठीक है। तो इस प्रकार से आपका टेस्ट है। तो सब पता आप लोग सामने है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिसमें आप लोग सामने बस्ट में प्रश्न पूछे गए हैं। बस्ट में प्रश्न आप लोग सभी लोग जानते हैं कि इसमें आप लोग सामने ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन रहते हैं, मतलब कि चार ऑप्शन रहेंगे और चार ऑप्शन में एक मतलब एक एक ऑप्शन का सही आंसर रहेगा ठीक है। तो जैसा कि आप लोग सामने पहले ही देख लेते हैं हम लोग, हु वाज द टीचर ऑफ पांडव एंड कौरव प्रिंसेस, मतलब कि जो अपने जो पांडव थे और जो कौरव राजा थे, मतलब प्रिंस राजकुमार थे, तो पांडव और कौरव राजाओं के गुरु कौन थे। तो आप लोग पता है तो आप लोग कमेंट में बता सकते हो, जिन लोगों को नहीं पता उनकी जान के लिए बता दूं, इसका आंसर आपका द्रोणाचार्य हो जाएगा, यानी द्रोणाचार्य इसका सही आंसर हो जाएगा ठीक है। तो इसका आंसर बी ऑप्शन सही है, द्रोणाचार्य, जो कि आप लोग आंसर में यहाँ पर लिख सकते हो। चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग सामने आपको क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें लिखा है, हु गोट द फर्स्ट चांस टू शूट इन द राइट आई ऑफ द वर्ल्ड। तो जो मतलब कि इसका अर्थ हुआ कि जो मतलब जो फर्स्ट चांस था, नहीं पहला मौका किसे दिया गया था, तो ये दिया गया था युधिष्ठिर को। तो इसका सही ऑप्शन हो जाए सी ऑप्शन का आप लोग युधिष्ठिर। तो जो कि आप लोग टिक करके नीचे आंसर की जहाँ पर लिख भी सकते हो। इसी क्रम में हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें लिखा है, हाउ मैनी पांडव प्रिंसेस यहाँ पर पार्टिसिपेंट इन द टेस्ट, मतलब कि जो आपके मतलब जो उनका टेस्ट हुआ था तो उसमें कितने पांडव मतलब पार्टिसिपेट किए थे। तो पाँच किए थे, कौन है पाँच, यानी फाइव ठीक है। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसी क्रम में बढ़ते नेक्स्ट को। नेक्स्ट चौथा क्वेश्चन लगा, द प्रिंसेस बेयर स्टैंडिंग इन द आश्रम विथ देयर। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, बो एंड एग्रो, यानी कि धनुष और तीर ठीक है, यानी कि तीर कमान। इस प्रकार से इसका आंसर सही हो जाएगा ए ऑप्शन। इस प्रकार से आप लोग सामने यहाँ पर चौथा आपके सही विष्णु प्रश्न होते हैं। बढ़ते नेक्स्ट को। नेक्स्ट आप पाँचवा, पाँच में लिखा है, द प्यूला ऑफ वोमैन इज। तो जो प्यूला का मतलब कि वोमैन का पूरा क्या होगा, यानी कि सिंगुलर प्यूला आप लोग जानते हैं, सिंगल सिंगुलर को कहते हैं एक बचन, और प्यूला मिस को कहते हैं बहुवचन। तो वोमैन का बहुवचन क्या होगा, यानी औरत का क्या होगा बहुवचन। तो इसमें हो जाएगा आपका वोमैन्स, यानी कि एस जुड़ जाएगा। तो आपका ये ऑप्शन सही हो जाता है। तो इसमें इस प्रकार से आप लोग सामने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 5 तक आपके ये आपके पूरे प्रश्नों के सर कंप्लीट हो जाते हैं। चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग सामने, फिल इन द ब्लैंक्स, यानी कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो रिक्त स्थानों के आंसर आप लोग सामने इस बॉक्स में दिए गए हैं, परंतु इस बॉक्स में से आपको सही आंसर को चुनकर वो यहाँ पर नीचे लिखना है ठीक है, मतलब कि खाली स्थान में भरना है। तो किस प्रकार से भरना, चलिए बता दे रहा हूँ। तो पहला लगा आप लोग सामने आप द्रोणाचार्य बाज कौरव प्रिंसेस, मतलब यहाँ पर कौरव आ जाएगा। अगला सातवां, सातवें लगा है, गुरु द्रोणा गेव इट अ टेस्ट, उसमें आपका स्किल, यानी कि जी आपका सही आंसर है। आठवां में देखते हैं, तो आठवें लगा था आपके सामने, हाँ तो आठ में आया आपका एंगेस्ट ठीक है, एंगेस्ट भर देंगे। और नौ में आना आपको ऑन ठीक है, यहाँ पर ऑन भर देंगे। और दस में आना आपको बॉन्ड,
तो स्टूडेंट इस प्रकार से आप लोग सामने आपके जो 10 ही आपके जो रिक्त स्थान फिलिंग द ब्लैंक्स कंप्लीट हो जाते हैं। चलिए बढ़ते हम लोग नेक्स्ट की ओर। तो नेक्स्ट आपके सामने आप है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, मतलब कि बोला जाए एक शब्द एक वाक्य में आंसर दीजिए। तो यही है, तो पहले क्वेश्चन देख लेते। पहला क्वेश्चन लगा है हु सा द 3 इज ए ब्रांचेस ग्रीन लिप्स येलो फर्स्ट फ्रूट एंड। तो मतलब कि जो मतलब कि जो आप लोग यहाँ पर देखो जी जो पेड़ वाला था तो उसमें क्या क्या दिख रहा है। तो दौड़ना यहाँ पर लगा आपको दुर्योधन सा द 3 इज ब्रांचेस एंड इट इज, मतलब कि जो सब चीज़ें जैसे ट्री ब्रांच ग्रीन लीफ येलो फ्रूट्स, तो ये किन को दिख रहे थे? दुर्योधन को दिख रहे थे। तो आपको यहाँ पर दुर्योधन लिख देना, ठीक है दुर्योधन। तो इस प्रकार से आप लोग क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हो जाता है, जो कि आप लोग वीडियो को रोक कर लिख भी सकते हो। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा आपका व्हाट टाइप ऑफ टेस्ट डेड ए गुरु ड्रोन गिव द प्रिंसेस। तो इसका आंसर हो जाएगा द टेस्ट वॉज टू शूट द नाइट आई ऑफ द ब्लाइंड बर्ड, ठीक है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 12 का भी आंसर आपके सामने यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की, तो क्वेश्चन नंबर 13 पर लिखा था राइट द कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम योर बिल। तो इसका आंसर लिखेंगे आप लोग यहाँ पर द कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम ऑफ यू बिल इज यू। तो आपका ये क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 में आप लोग सामने यहाँ पर जो पीला बनाना है इनका, ठीक है। तो इसका हो जाएगा माइस, ठीक है, यहाँ पर माउस हो जाएगा माइस, मंकी का हो जाएगा मंकी। तो इस प्रकार से आप लोग सामने यहाँ पर जी आपके जे भी आपके पूरा ऑफ कम्प्लीट हो जाते हैं। इस प्रकार से आप लोग सामने यहाँ पर 14 तक आपके जे पूरे क्वेश्चन आंसर कम्प्लीट हो गए हैं। और नेक्स्ट वो नेक्स्ट आप लोग सामने फिर क्वेश्चन आंसर है, जो कि आप लोग सामने यहाँ पर एक या दो वाक्य में लिखना है, ठीक है, जो इससे थोड़े बड़े हैं इन्हें कैसे करना चलिए। तो पहले क्वेश्चन देख रहे क्वेश्चन नंबर 15 जिसमें लिखा है हु वाज प्रिंसेस हु सा द वर्ल्ड और इज ऑल ऑनली, मतलब कि इसका कहने का रहते हैं कि वह कौन सा राजकुमार था जिसे केवल पक्षी यानी कि चिड़िया की आँख दिखाई दी थी। तो अर्जुन थी, तो आप लोग उसका आंसर जी लिख लोगे अर्जुन वाज द प्रिंसेस हु सा बर्ड्स इज आई ओनली, ठीक है। तो ये आपका सही आंसर जी हो जाता है। इसी प्रकार से बढ़ते नेक्स्ट को, नेक्स्ट आप क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 में लिखा है व्हाट वाज द टारगेट इन द टेस्ट टेस्ट इन द टेस्ट। तो इसका आंसर टू शूट द राइट आई ऑफ द वर्ल्ड सिटिंग ऑन द ट्री, मतलब कि जो मतलब कि चिड़िया थी या पक्षी थी तो उसकी आपको राइट आँख में मैं वो क्या तीर मारना था, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका जी भी अच्छा क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर हो जाता है। बढ़ते नेक्स्ट को, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 जिसमें लिखा था इफ ए इफ ए बेयर इज अर्जुन प्लेस व्हाट वुड यू सी ऑन द ट्री। तो इसका लगे इफ ई आई बेयर इन अर्जुन प्लेस आई वुड ऑल्सो हैव लुकड वाई ओनली द वर्ल्ड्स आइज, उनको कुछ नहीं दिख रहा था उन्हें, तो कौन केवल उनका लक्ष्य था चिड़िया की आँख, तो उसने चिड़िया की आँख दिख रही थी आई हो जाएगा। इसी क्रम में बढ़ते नेक्स्ट को, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 जिसमें लगा है अंडरलाइन है इसमें आपका क्या इंगेस्ट। तो इससे संबंधित हमें कुछ क्वेश्चन का आंसर देना, तो इसका आंसर इंगेस्ट के जहाँ आपको ओल्डेस्ट करना है बस, ठीक है। तो आज सेम टू सेम आपको जे का जे लिख देना है, तो यहाँ पर आपका जे क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर कंप्लीट हो जाता है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट को, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 से आपके सामने यहाँ पर लॉन्ग आंसर दिए गए, मतलब दिगुच्छी प्रश्न दिए गए जिनको आपको हल करना है। तो 19 में लगा आपका व्हाट मोड ऑफ गुरु ड्रोन गिव द प्रिंसेस एंड द स्टोरी। तो इसका आंसर हो जाएगा गुरु ड्रोन, इस यहाँ से लिखना जी आपके सामने 19 का गुरु ड्रोन सेड ऑलवेज कीप यू आईज फोकस्ड ओनली ऑन द गोल देन ओनली विल यू बी सक्सेसफुल इन योर लाइफ। तो ये आपका सही आंसर कंप्लीट है। अगला क्वेश्चन है आप लोग सामने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 20 जिसमें आप लोग सामने यहाँ पर एक केयरफुली मतलब इसको पहले आप लोग सामने यहाँ पर दो यहाँ पर जी आपका सेलिब्रेट स्पोर्ट डे है। तो ये आपके सामने यहाँ पर दिया है नोटिस, तो इन नोटिस को पहले आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है, इससे संबंधित कुछ नीचे क्वेश्चन दिए हैं उनके क्वेश्चन देना। तो किस प्रकार से देंगे चलिए बताए। तो पहले क्वेश्चन उन्होंने पूछा है कि व्हाट इज द नोटिस बोर्ड, मतलब ये नोटिस बोर्ड है किसके बारे में है। तो मैंने बताया था सेलिब्रेट स्पोर्ट डे के बारे में, तो आपको यहाँ पर जे वाला सेम टू सेम यहाँ पर नीचे लिख देना है, ठीक है। तो ये सेलिब्रेट स्पोर्ट डे हो जाएगा। दूसरा लगा वेयर द स्पोर्ट डे गोइंग द सेलिब्रेट, तो इसका लगना आपको द स्पोर्ट डे गोइंग टू सेलिब्रेट इन स्कूल ग्राउंड में, ठीक है ग्राउंड में माना जाएगा। तीसरा फोर द मे वाइज तो इसमें 29-31 अगस्त, ठीक है। तो जी इसका सही आंसर है। इसी क्रम बढ़ते नेक्स्ट और नेक्स्ट आप लोग चौथा, चौथे में लिखना आपको क्या यहाँ पर इनएक्टिव यानी इनएक्टिव का हो जाएगा एक्टिव, और इस प्रकार से मतलब अपोजिट करना था, ठीक है। इनएक्टिव का हो जाएगा यहाँ पर एक्टिव भर देना और यहाँ पर आपको सही क्रम में इसको जमा देना है। तो ई से लगा ये आपको पूरा लिख देना है, तो इनक्रेज। इस प्रकार से आप लोग सामने यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 20 का भी आंसर कंप्लीट हुआ है। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हो सब प्रथम रहेगा लेसन 7 और द लिस्ट, ठीक है। तो चलिए इसके आंसर हम देखते हैं। चलिए इसके क्वेश्चन दो आपके बुक में नहीं, आंसर आपको किस प्रकार से लिखना वो भी बताऊंगा।
तो सर्वप्रथम आप लोग की जानकारी बता दूँ, सर्वप्रथम रहेंगे आप लोग सामने यहाँ पर वैष्णव प्रश्न, मतलब कि जो आप लोग जानते हैं कि वैष्णव प्रश्न कहलाते हैं ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन, मतलब कि चार ऑप्शन दिए जाएंगे, चार ऑप्शन में से आपको एक को सही करना है, ठीक है। तो पहले ही क्वेश्चन देख लेते हैं, पहला क्वेश्चन लगा है विच डे इज बिगिन सेलिब्रेट इन द स्कूल, तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है, बी ऑप्शन से है एनुअल स्पोर्ट डे, ठीक है, ये आपका सही आंसर बी ऑप्शन सही है, इस पर टेक करके आप लोग यहाँ पर आंसर में लिख सकते हो। चलिए बढ़ते नेक्स्ट हो, नेक्स्ट ऑप्शन है दूसरा जिसमें लगा है हु गिव्स द सिंगल टू बिगिन द लिस्ट, तो इसका सही आंसर हो जाए ए ऑप्शन जिसमें लगा है गेम्स टीचर, ठीक है जी, आपका सही आंसर है। तीसरा देखते हैं हम लोग इसी क्रम बढ़ते तीसरी को, तीसरी में लिखा है व्हेन मीना विंस द रेस द हेड मिस्ट्री, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन कॉन्ग्रेचुलेशन, ठीक है, अगला तीसरी का हो जाएगा बी ऑप्शन। अगला आपके सामने चौथा जिसमें लिखा है द नाउन फ्रॉम स्ट्रॉन्ग, तो स्ट्रॉन्ग का हो जाएगा आपके सामने यहाँ पर जे वाला बी ऑप्शन हो जाएगा थ्रेंथ, ठीक है। तो अगला इसके सामने पाँचवा, पाँच में लिखा है विच वर्ल्ड बेस्ट मैच वो पिक्चर, मतलब कि जो आप लोग पिक्चर को देख रहे हैं तो पिक्चर किसकी है, तो आप लोग जानते हो ट्रॉफी की है, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो स्टूडेंट इस प्रकार से आप लोग सामने आप क्वेश्चन नंबर एक से क्वेश्चन नंबर पाँच तक आपके सही आंसर कंप्लीट हो जाते हैं। इसी प्रकार से आप लोग अपनी बुक में वीडियो को रोक कर भरते जाइएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वन, नेक्स्ट आपके सामने आप क्वेश्चन नंबर छठवा देखते हैं, तो छठवें में आप लोग सामने फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए हैं, तो यहाँ पर आप लोग सामने फिल इन द ब्लैंक्स हैं, साथ ही आपकी जानकारी पहले ये बता दूँ मैं यहाँ पर जी आपके सामने यहाँ पर आंसर दिए गए हैं, ठीक है, लेकिन परंतु इन आंसर को आपको क्रम अनुसार जमाना है, मतलब सही जवाब जो यहाँ पर बैठे वहाँ पर रखना है। तो पहले में आ जाएगा आपका स्ट्रॉन्ग, ठीक है, जो आपको यहाँ पर लिखाना जी पहले यहाँ पर भरना स्ट्रॉन्ग, क्योंकि माला इज स्ट्रॉन्ग एंड वेल बिल्ट गर्ल, ठीक है। दूसरे में आपको 200 मीटर आ जाएगा। तीसरे में आपको रिवर भर देना है, मतलब आठ बैल रिवर भर सकते हो। नौ में लिखा आपका वांट, ठीक है, यहाँ पर वांट आ जाएगा। और यहाँ पर दस में आ जाएगा आपका केयरफुली। तो इस प्रकार से आप लोग वीडियो को रोक कर पूरे रिक्त स्थान के कम्प्लीट कर सकते हैं, यानी कि फिल इन द ब्लैंक भर सकते हैं अपनी बुक में, ठीक है। पढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग सामने वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, मतलब कि जो आपको एक शब्द या एक वाक्य में देना है, ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा सरल है, इनको आप लोग अपने मन से भी लिख सकते हो, साथ ही आपको आता तो आप लोग लिख लीजिए, नहीं आता तो हम इसके आंसर बताने वाले हैं। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हो पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 जिसमें लिखा है विच रेस इज अबाउट टू स्टार्ट इन द स्कूल, तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोग सामने यहाँ पर द 200 मीटर रेस इज अबाउट स्टार्ट। तो इस प्रकार से आप लोग वीडियो को रुक क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर कंप्लीट कर लेंगे। पढ़ते नेक्स्ट नेक्स्ट ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा आप लोग सामने हाउ मैनी गर्ल टुक पार्ट इन द रेस, तो इसका आंसर देखते हैं, इसका आंसर हो जाएगा 6 है, कितनी 6 गर्ल टू पार्ट इन द रेस, मतलब क्वेश्चन था कि कितनी लड़कियां, मतलब कि पार्ट कितनी लड़कियां भाग दौड़े में भाग लिया था, तो 6 यानी 6 लड़कियों ने भाग लिया था। तो क्वेश्चन नंबर 11 का हो गया, 12 का आंसर हो जाता है, जो कि आप लोग वीडियो को रुक लिखते जाएगा। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 13 की ओर, तो 13 में लिखा है ऑन द बेसिस ऑफ द स्टोरी व्हाट फाइनली लीड्स टू सक्सेस, तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोग सामने यहाँ पर कॉन्फिडेंस, क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा कॉन्फिडेंस, जो कि आप लोग यहाँ पर भर सकते हो। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 में लिखा है री राइट द फॉलोइंग सेंटेंस इन द रिपोर्ट स्पीच, वो आपके सामने जी लगा है, तो इसको आप दोबारा लिख सकते हो, जिसको किस प्रकार से लिखना है तो लिखना है राम से आई वांट टू बी ए टीचर, तो जी आपका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर आप लोग इस प्रकार से लेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 15 में आप लोग सामने आ गए राइट द नेम ऑफ 6 गर्ल हु टुक पार्ट इन द रेस, तो इसका आंसर हो जाएगा तो कितनी लड़की उन नाम लिखने में 6 लड़कियों के नाम लिखे, तो मीना हो जाएगी, शोभा, रानी, नीरजा, माला, लता, तो ये 6 लड़कियां ने भाग लिया था दौड़ में, उन्हीं 6 के नाम हमने इस प्रकार से लिख दिए हैं। पढ़ते नेक्स्ट वन, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 जिसमें लिखा है हु टोल्ड मीना डेट सी हैड नो चांस ऑफ बिगिन द रेस, तो इसका आंसर की बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा द अदर गर्ल टोल्ड हर डेट ही हैड नो चांस ऑफ विनिंग, तो इस प्रकार से आप वीडियो को रोके और इसका आंसर पूरा इस प्रकार से लिख सकते हो। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 17 जिसमें लगा है विच गेम वुड यू लाइक टू प्ले एंड व्हाई, तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोग सामने आप इस प्रकार से जी रहा से, तो यहाँ से लिखना आपको आई लाइक टू प्ले द फॉलोइंग गेम्स, मतलब कि मुझे ये गेम पसंद है, तो बास्केटबॉल अब मुझे गेम पसंद है, जो कि हम लिखेंगे इट इज़ ए टीम स्पोर्ट एंड द हेल्प्स अस टू वर्क इन ए टीम, इट इज़ प्लेड इंडोर्स एंड प्रोमोट्स हेल्थली कंपनीज एंड बैडमिंटन, इट इज ए लेस एग्रोस गेम विच विथ ए वर्ल्ड मोमेंट्स प्रोवाइड ए पावरफुल कार्डियो वर्कआउट वाई इंजीनियरिंग द
ऑल एवरीबॉडी। तो इस प्रकार से आप लोग क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर लिख लेंगे। बढ़ते नेक्स्ट वन, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, जिसमें लिखा है कि 18 में लिखा है लर्ट द नाउन ऑफ कॉन्फिडेंट एंड ब्यूटीफुल। तो इसका जो कॉन्फिडेंस ये हो जाएगा वो ब्यूटीफुल का, इस प्रकार से ब्यूटीफुल हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोग क्वेश्चन नंबर 18 का भी आंसर लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 19 में आप लोग सामने यहाँ पर दिगुत्ती प्रश्न दिए हैं, जिसमें हमको यहाँ पर एक क्या हमको एक अपने फ्रेंड के लिए एक लेटर लिखना है, वो बधाई पत्र लिखना है। तो किस प्रकार लिखेंगे, चलिए बोल बता देता हूँ। तो कुछ आप इस प्रकार से लिख सकते हो, ठीक है, ये आपका ये पूरा पता है, ठीक है। यहाँ से लिखना आई एम ग्लेड टू, इस प्रकार से आप लोग चाहो तो इतना भी लिख सकते हो यहाँ तक। और अगर आपकी बुक में बन जाए, देखो अगर आपकी बुक में यहाँ से इतना बन जाता है तो ठीक है, अगर आपकी बुक में जगह खाली है तो आप लोग थोड़ा इसको भी लिख सकते हो, ठीक है। अगर जगह नहीं है तो आपकी बुक में जितना बन सके उतना लिख लीजिए, ठीक है। थोड़ा बड़ा कर दिया मैंने, इसलिए मैंने बता दिया है। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 20, जिसमें लिखा रीड द फॉलोइंग पेसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। तो जी आप लोग सामने एक पेसेज दी गई है, ये पेसेज, तो इस पेसेज को पहले ध्यानपूर्वक पढ़ना है, ठीक है। पढ़ने के बाद इससे संबंधित नीचे क्वेश्चन दिए हैं, उन क्वेश्चन के आंसर इसमें से ढूंढ के करना है। तो आप लोग ढूंढोगे तो अच्छी बात है, वो पढ़ लोगे तो अच्छी बात है, नहीं ढूंढते तो कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ। तो पहला लगा आप लोग सामने वेयर इज मीना इन द विनिंग ऑफ रेस। तो दो पहले का आंसर आप लोगों के सामने यहीं पर मिल जाता है, यहाँ से लिखना आपको, यहाँ से जी आप बिगन था यहाँ दो जिन लगाना आता है इस प्रकार से। तो इस प्रकार से आप लोग लिखेंगे फाइव गर्ल्स हैड व्हाट मीना इज लास्ट, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर दूसरा जिसमें लगा है व्हाट हैपन विथ शोभा। तो शोभा का लिखोगे आप लोग शोभा इज ट्राइंग टू रन वेरी फास्ट व्हाट सी सडनली लॉस्ट हर बैलेंस एंड फॉल डाउन। अगला है हु इज वेरी हैप्पी नाउ। तो इसका लोग हुए नाउ रन इज लीडिंग सी इज वेरी हैप्पी, ठीक है। फिर यहाँ पर चौथे में हो जाएगा बैक, ठीक है, फ्रंट का कर लोगे बैक। और इसमें आ जाएगा इसका जो जो फुल का आ जाएगा चेयर फुल। तो इस प्रकार से आप लोग वीडियो को रोक रोक के पूरे आंसर आप लोगों ने कम्प्लीट कर लिए हैं। आशा करता हूँ आप लोग का ये पार्ट कम्प्लीट हो गया है। अब जो नया से आप लोग देख सकते हो सबसे रहेगा आप लोग सामने लेसन आर्ट और द एलिफेंट, वहाँ पर देख सकते हो इस प्रकार से चित्र भी दिया गया है, ठीक है। तो इसी से संबंधित कुछ क्वेश्चन हैं, उन क्वेश्चन के आंसर हम लोगों को लिखना है, ठीक है, अपनी बुक में। तो किस प्रकार से भरेंगे, चलिए मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। तो सब तब आपको सामने रहेंगे बस स्टूडेंट प्रश्न, यानी कि सही विकल्प रहेंगे जिनमें से हमको सही ऑप्शन चुनकर उसको टिक करके लिखना है। तो किस प्रकार से लिखेंगे, चलिए। तो पहला ही क्वेश्चन है आप लोग सामने यहाँ पर है हु कम्स स्विमिंग ए अलोंग। तो इसका आंसर हो जाएगा एन एलिफेंट, ठीक है। तो एन एलिफेंट आपको टिक करके नीचे आंसर में लिख दिया जाना है। अगला आपके सामने क्वेश्चन नंबर दूसरा जिसमें लिखा था व्हाट डू द चिल्ड्रन डू व्हेन दे सी डेट एलिफेंट। तो क्वेश्चन नंबर दूसरे की बात करें तो क्वेश्चन नंबर दूसरे का आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन सही है, दे सिंग ए सॉन्ग। तो इसमें आंसर यहाँ पर लिख लेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें लिखा है एज एलिफेंट कैन रूट ट्री अकॉर्डिंग द पोएम। तो इसमें आपको करना है एन ओ टी, मतलब सी ऑप्शन आपका सही हो जाता है। सी वाले पे आपको क्लिक करके टेक करके सी वाले पे यहाँ पर लिख भी सकते हो आंसर की जगह पर। अगला क्वेश्चन नंबर 4 जिसमें लिखा है द साइन ऑफ लुक क्लोजली इज, तो क्लोजली का हो जाए पियर, ठीक है। तो पियर लिख देंगे, पहले ए ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 5 जिसमें लिखा है द अपोजिट ऑफ नारू नेहरू, तो नेहरू का हो जाएगा वाइट, ठीक है। इस वाले सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो स्टूडेंट इस प्रकार से आप सामने क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 5 तक आपके बस्टू में पसंद थे, जो कि हम लोगों ने यहाँ पर आपके आंसर पूरे कम्प्लीट करवा दिए हैं। इसी क्रम में बढ़ते हम नेक्स्ट को, नेक्स्ट आपके सामने यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स किस प्रकार से करना, चलिए मैं आपके सामने बताऊँगा। साथ ही आपके जो रिक्त स्थान है उनमें आपको किस प्रकार चुनना है। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हो ये आपके सामने एक बॉक्स दिया गया है, इस बॉक्स में जो लिखे ना जितने भी वर्ड जी जी सभी आपके क्या है आंसर है, परंतु ये आंसर उल्टे सीधे हैं, इनको हमको सही क्रम में जमाना है। तो पहला देख लेते हैं जिसमें लिखा है व्हेन द एलिफेंट कम्स द चिल्ड्रन, तो इसमें आपको क्या लेंगे सिंग लिख देंगे यहाँ पर, सिंग ए सॉन्ग। दूसरा आप लोग सामने यहाँ पर द कार्गो चिल्ड्रन ऑफ क्राउंस, यहाँ पर क्राउंस भर देंगे सी आर ओ डब्ल्यू एन एस, ठीक है। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हो यहीं से मैंने इसको भरा है, यहीं से आप लोग देख सकते हो इसको भरा है, ठीक है। तो इन्हीं में से ढूंढ ढूंढ के भरना है। अगला आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आठ में आपके देखते हैं तो फिल इन द ब्लैंक्स में आपका जी आ जाएगा पेवेड, ठीक है। तो पेवेड भी आप लोग देख सकते हो यहाँ पर लिखा था जिलेगा। तो इस प्रकार से फिर इसी प्रकार से आपके सामने यहाँ पर इसमें आ जाएगा आपका एलिफेंट और लास्ट वाले यानी क्वेश्चन नंबर 10 में आ जाएगा आपका ग्रे। तो इस प्रकार से आप लोग सामने यहाँ पर आपके ये पूरे फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं, जो कि आप लोगों ने वीडियो को रोक रोक के पाँच आप लोग फिल इन द ब्लैंक्स यानी कि रिक्त स्थान कम्प्लीट कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट नेक्स्ट आपको क्वेश्चन आंसर आप लोग सामने एक शब्द एक वाक्य में दिए गए हैं, मतलब छोटे वाले क्वेश्चन आंसर हैं।
मैंने कैसे करना, चलिए वो बताऊंगा। तो पहले ही क्वेश्चन देखते हैं, पहला क्वेश्चन लिखा है हु कम्स हैप्पी हैप्पीली विथ द एलिफेंट। तो इसका आंसर हो जाएगा आपके सामने द चिल्ड्रन कम्स हैप्पीली। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा है व्हिच बॉडी पार्ट ऑफ द एलिफेंट इन इज इन लेदर। तो इसका आंसर हो जाए हिज लेग्स आर इन लेदर। तो ये आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, 13 में लिखा है राइट द राइमिंग वर्ड फॉर द फॉलोइंग वर्ड। तो इसका चिन्ह का हो जाएगा पेन, क्या हो जाएगा चिन्ह का हो जाएगा पेन और टूच टोच यहाँ पर टूच का हो जाएगा हॉर्स। तो इस प्रकार से आपके सामने क्वेश्चन नंबर 13 का भी आंसर कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर कंप्लीट होगा। बढ़ते नेक्स्ट वो नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 14 जिसमें लिखा है व्हाट इज द लॉन्ग नोज ऑफ एन एलिफेंट कॉल्ड। तो इसका आंसर हो जाएगा ट्रंक। ठीक है, ट्रंक भी हो जाएगा सूंड। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा ट्रंक। क्वेश्चन आप अगला देखते हैं, तो इस प्रकार से आपके सामने 14 तक हो गए हैं। फिर आगे आते हैं जो क्वेश्चन 15 से आपके सामने एक सब एक वाक्य दो वाक्य में दिए जाते हैं आंसर। ठीक है, थोड़े बड़े देना पड़ता है, तो इस प्रकार बड़े क्वेश्चन तो बड़े आंसर लेंगे। तो पहले क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 जिसमें लिखा है हाउ डू यू चिल्ड्रेन कम विद द एलिफेंट। तो इसका आंसर लिखते हैं, तो इसका आंसर आ जाएगा यहाँ से जी आ जाएगा। यहाँ पर लिखा है हेयर कम द एलिफेंट सिंग एलोंग विद हिज कार्गो और जगह ऑफ चिल्ड्रेन आर सिंगिंग ए सॉन्ग। तो इस प्रकार से आप लोग क्वेश्चन नंबर 15 का भी आंसर ऐसे कंप्लीट हो जाता है। अगला आप लोग क्वेश्चन नंबर 16 जिसमें लिखा है व्हाट द चिल्ड्रेन डू विथ मी। तो इसका हो जाएगा यहाँ से आ जाएगा द चिल्ड्रेन क्राउडेड द एलिफेंट विथ मैनी। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर जी रहेगा, जो कि आप लोग वीडियो को रोक कर लिख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 में लिखा है कैन एनी अदर एनिमल विस्क लाइक एन एलिफेंट। तो इसका आंसर लगोगे आप लोग यहाँ से नो अदर एनिमल्स कैन नॉट विस्क लाइक एन एलिफेंट। मतलब कि जी आपका सही आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर कंप्लीट हो गया। बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 जिसमें लिखा है पिक द अपोजिट वर्ड आउट ट्रंक टेल हम एन लार्ज ईयर। तो इसको हम देखते हैं, तो इसमें आप लोग क्या है अलग क्या है, तो इसमें अलग क्या है लार्ज है। तो इसमें हम लार्ज पे क्लिक करके लिख ही सकते हो, ये होगा आपका लार्ज। अगला क्वेश्चन नंबर से इसमें से क्या है, तो इसमें अलग है अपना ग्रास, तो इसमें हम ग्रास लिख देंगे। इसी प्रकार बढ़ते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट, इसमें अलग क्या है, इसमें अपना अलग हो जाए एंट। तो इस प्रकार से आप लोग सामने यहाँ पे आप लोग क्वेश्चन नंबर आ गए तीनों के यहाँ से आप लोग कंप्लीट इस प्रकार से लिख लेंगे। बढ़ते नेक्स्ट हो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 जिसमें आप लोग सामने लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। ठीक है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन हम लोग जानते हैं दी गुत्थी प्रश्न कहलाते हैं। ठीक है, थोड़ा हमको बड़े लिखने पड़ते हैं। तो कुछ ऐसा क्वेश्चन ही है राइट पैराग्राफ अबाउट एन एलिफेंट, मतलब कि एलिफेंट के बारे में एक पैराग्राफ लिखना है। तो हम लोग एक ए वाला पैराग्राफ लिख लेते हैं। ठीक है, एलिफेंट हैव ए लार्ज ट्रंक, एलिफेंट हैव ए बिग ईयर, एलिफेंट लाइक टू सिंग, एलिफेंट एट ए ग्रास, और एलिफेंट आर द लार्जेस्ट एनिमल ऑन द जंगल। तो इस प्रकार से आप लोग क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर पूरी तरह से आप लोग वीडियो को रोक कर लिख सकते हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 में आप लोग देख सकते हो यहाँ पर लिखा है लुक एट द पिक्चर केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दो। अब उनका अर्थ ये होगा कि इस पिक्चर को आप लोग पहले सर्वप्रथम देखें। तो जो पिक्चर है दिख रही है आप, इस पिक्चर को पहले आप लोग को सर्वप्रथम देखना है। इस पिक्चर से संबंधित कुछ नीचे क्वेश्चन उनके आंसर दो। जैसे कि पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, लिखा हाउ मैनी बॉयज एंड गर्ल डू यू सी इन द पिक्चर। तो इसमें आप लोग देखते हैं कितने लड़के कितनी लड़कियाँ हैं। तो आप लोग देखो कितने लड़के लड़कियाँ हैं, तो देखो जैसे देयर आर थ्री बॉय, यानी कि तीन लड़के हैं एंड टू गर्ल। ठीक, इन द एलिफेंट, तो मतलब यहाँ पे मतलब कि तीन लड़के दो लड़कियाँ हैं। तो लग जाएंगे अगला आप लोग सामने यहाँ पे व्हिच एनिमल डू यू सी हर, तो इसमें आ जाएगा एलिफेंट, दूसरे मानेंगे हम एलिफेंट। तो इस प्रकार से पहले में जी भर देंगे, दूसरे में हम एलिफेंट भर देंगे। तीसरा देखते हैं, तीसरा वाला क्वेश्चन लिखा आप लोग सामने यहाँ पर व्हाट आर द चिल्ड्रन डूइंग। तो इसका आंसर लिखोगे चिल्ड्रन आर प्लेइंग विथ एन एलिफेंट। तो एक क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर लिख लेंगे। इस प्रकार से वीडियो को रुकते हैं, लिखते जाएं। क्वेश्चन नंबर 14 लिखा है डिस्क्राइब द एलिफेंट ईयर, मतलब जो डिस्क्राइब द एलिफेंट ईयर, तो इसका लिखना है द एलिफेंट हैज वेरी बिग ईयर, मतलब जो अपना हाथी है उसके काफ़ी ज़्यादा कान बड़े होते हैं। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 14 होता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, पाँचवा लिखते हैं राइट फोर थिंग्स विच यू सी इन द पिक्चर। तो इसका आंसर देखिए हम यहाँ से लिखेंगे देयर इज एन एलिफेंट इन द पिक्चर, टू चिल्ड्रेन आर राइडिंग एन एलिफेंट, सम चिल्ड्रेन वॉकिंग बिहाइंड द एलिफेंट, सम हाउस आर विजिबल इन द पिक्चर। तो स्टूडेंट इस प्रकार से आप लोग सामने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 20 के पूरे यहाँ से आपके सामने कंप्लीट हुआ है। सब तमाम लोग देख सकते हो यहाँ पर लिखा है पार्ट 9 यानी पार्ट 9 यानी लेसन 9 द कोबलर एंड द
फायर रेस। ठीक है चलिए शुरू कर दें। तो सब बताऊँ आप लोग इस प्रकार से फ्रंट पेज रहेगा जहाँ पर चित्र बनी है, चित्र के जस्ट नीचे आप देख सकते हो रहेंगे आप सोने यहाँ पर बस टू प्रेजेंट यानी कि ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन हो और यहाँ पर लगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जहाँ पर लगा सही विकल्प चुनकर लिखिए। ठीक है क्या लिखा है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। आप लोग सामने यहाँ पर चार ऑप्शन दिए जाएंगे, चार ऑप्शन में से आपको एक को सही करना। तो पहला देख लेते हम लोग, पहला लिखा है हु वाज धेनु वाइफ, मतलब जो धेनु की वाइफ थी उसका नाम क्या था, तो उसका नाम था धनिया। ठीक है तो आप करेंगे धनिया यानी बी ऑप्शन सही है। बी पे टिक करके यानी कि टिक करके यहाँ पर आंसर लिखाना, जहाँ पर जी वाला इस यहाँ पर लिख देना है, इस पर क्लिक करके ऐसे करके यहाँ पर लिख दो। ठीक है तो इस प्रकार से आप लोग के सामने यहाँ पर पहले का बी ऑप्शन सही हो जाता है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टू, दो इसमें लिखा है व्हाट द यानी फारिस डू एज द दे सेट डाउन टू मेक द शूज। तो इसका आंसर की बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन सही है, जिसमें लिखा है सेंग यानी सेंग एंड द डेंसड। तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाता है, इस पर क्लिक करके नीचे लिख देना है। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं, क्वेश्चन नंबर तीसरे का आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, जिसमें आ जाएगा फूड। ठीक है तो तीसरे का हो जाएगा बी ऑप्शन फूड। अगला क्वेश्चन नंबर चौथा, जिसमें लगा है धनिया क्लॉथ, यहाँ पर लगा धनिया खालिस्तान क्लॉथ ओ फोर द फायर रेस। तो इसका आंसर हो जाएगा सेवड, इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन सही है सेवड, इसको आपको नीचे लिख देना है। अगला क्वेश्चन है ए बो ऑफ कलर इन द स्काई कलर्ड, तो इसका हो जाएगा क्या रेनबो। ठीक है रेनबो मीन्स हो जाएगी इन द हाउस, हमको मतलब कि जो वो मीन्स दिखा रहा है कौन सी कलर रेनबो में कौन सी कलर होते हैं, तो सात कलर होते हैं। ठीक है तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाता है, वो आपको यहाँ पर लिख देना है। तो इस प्रकार से स्टूडेंट आप लोग सामने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर एक से क्वेश्चन नंबर पाँच तक आपके बस टू प्रश्न पूरी तरह से सही हो जाते हैं, वो आप लोग इस प्रकार से टिक करके नीचे लिखते जाएंगे। अगला क्वेश्चन आप लोग सामने है फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स कहलाते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पाँच फिल इन द ब्लैंक्स यानी पाँच रिक्त स्थान है। साथ ही आपकी जानकारी के लिए बता दूँ यहाँ पर एक बॉक्स दिया गया है, इस बॉक्स में आपके पूरे आंसर दिए गए हैं, परंतु ये आंसर आपके उल्टे सीधे हैं, मतलब कि सही क्रम में नहीं है, उनको क्रम से व्यवस्थित करके लिखना है। तो पहले में हम लोग भरेंगे भर देंगे वर्कशॉप, यहाँ पर आपका वर्कशॉप, दूसरे में आपको लीडर। ठीक है तो यहाँ पर हम लोग लीडर भर देंगे, और तीसरे की बात करें यानी आठवें क्वेश्चन की, तो आठवें क्वेश्चन में आ जाएगा फाउंड, और नौवें क्वेश्चन की बात करें तो नौवें आ जाएगा ब्यूटी। ठीक है और दसवें आ जाएगा कारपेंटर। तो इस प्रकार से आप लोग सामने यहाँ पर पूरे के पूरे आंसर आपके फिल इन द ब्लैंक्स हो जाते हैं, जो कि आप लोग वीडियो को रोक कर दसों के दस आप लोग फिल इन द ब्लैंक्स भर लें यानी कि रिक्त स्थान कम्प्लीट कर लें। बढ़ते नेक्स्ट वो, नेक्स्ट आप लोग सामने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11, जिसमें आप लोग सामने वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन हैं, मतलब एक एक शब्द एक वाक्य में उत्तर देना है। ठीक है तो पहले क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 जिसमें लगा है हु कम एट नाइट हेल्प धेनु। तो इसका आंसर की बात करें क्वेश्चन नंबर 11 के आंसर की, तो इसमें आ जाएगा पुलिस सामने यहाँ पर जो धेनु थी उसकी मदद किसने की, धेनु की मदद किसने की थी, मतलब रात में। तो इसका आंसर हो जाएगा फेरिस कम टू एट नाइट टू हेल्प धेनु। तो मतलब जो फेरिस में परी जो परी होती है उसने इनकी मदद की थी, तो अब लोग फेरिस कम एट नाइट टू हेल्प धेनु लिख दोगे। इस प्रकार से आप क्वेश्चन नंबर 11 आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें तो राइट द नेम ऑफ द कैरेक्टर मेंशन इन द लेसन। तो मेरा कैरेक्टर तो इसमें आ जाएगा धेनु द कोबलर, धनिया हिज वाइफ, द फेरियस नेचर। इस प्रकार से आप पूरे का पूरा क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें तो इसमें जाएगा राइट द प्यूलर ऑफ काल्फ, मतलब कि काल्फ लिखा है इसका मतलब बहुवचन क्या हो जाएगा, तो काल्फ का हो जाएगा काल्फ, मतलब कि ये आपका सही आंसर है। बी एस जुड़ जाए, ए फटा के बी एस जुड़ दिया। अगला क्वेश्चन नंबर 14 जिसमें लगा है फाइंड टू सिमिलर वर्ड यानी कि वर्ड ऑफ कारपेट एंड द राइट। तो इसका आंसर हो जाएगा कार एंड पेट। तो ये आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 लिखा आप लोग सामने यहाँ पर जी लगा, तो क्वेश्चन नंबर 15 में आप लोग सामने शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, एक वाक्य एक शब्द में आंसर, एक वाक्य या दो वाक्य में आंसर देना। तो क्वेश्चन 15 ही देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 जी लिखा आप लोग सामने द फॉरेस्ट संग एंड सॉन्ग व्हाइल मेकिंग सूच ऑफ धेनु व्हाट वाज द डेड सॉन्ग। तो इसका आंसर जी रहा, तो इसका आंसर आप लोग सामने यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा, जिसका आंसर लिखेंगे आप लोग वी आर द फाइव बिजी फॉरेस्ट, वी लाइक टू हेल्प द नीडी, We like to feed everybody except the ones who are greedy। तो ये आपके सामने क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें जिसमें लिखा है राइट वन सेंटेंस अबाउट इज ए प्रोफेशन। तो इसका आंसर हो जाएगा डेंटिस्ट फिक्स अवर टीथ। तो ये आंसर सही है। इसके बाद आ जाएगा अपना बार्बर कट्स एंड द हेयर। तो ये क्वेश्चन नंबर 16 में जो आपके सामने यहाँ पर दिए इनको हम समझ आगे हमको सेंटेंस बनाने थे, तो इस प्रकार से हमने सेंटेंस बना दिए। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जी आंसर सही है।
क्वेश्चन नंबर 17 में लिखा है द फाले सेल्फेड धेनु इज द वर्क डू यू आल्सो हेल्प टू पुअर पुअर। तो इसका आंसर जो है यस आई हेल्प पुअर पीपल टू गिव देम द फूड एंड मनी। तो इस प्रकार से आपके सामने क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें तो क्वेश्चन 18 में लिखा है फाइंड द पेयर ऑफ राइमिंग वर्ड ऑफ राइट। तो यहाँ पर आपके सामने यहाँ पर जे दिए गए इनको हमें राइमिंग वर्ड बनानी है। तो पहले ही हमने बाइड का हो जाए हाइड, सॉफ का हो जाए फ्लॉप, नीडी का हो जाए ग्रेडी और किंड काइंड का हो जाएगा फाइंड। तो इस प्रकार से आपके सामने यहाँ पे जी आपके राइमिंग वर्ड हो जाते हैं जो कि इस प्रकार से आप लोग लिख सको। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 जिसमें आप लोग लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन दिए हैं यानी कि बोला जाए दी कुत्ते पसंद के थोड़े बड़े वाले लिखना बड़ा आंसर रहेगा बड़ा क्वेश्चन है। जिसका क्वेश्चन लगा द वैन फेरिस गोट न्यू क्लॉथ दे संग एंड आंसर व्हाट डू यू व्हेन यू गेट न्यू क्लॉथ। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको इस प्रकार से जी हाँ 19वें का आंसर जिसमें लगोगे व्हेन आई गोट न्यू क्लॉथ आई फील वेरी हैप्पी व्हेन न्यू क्लॉथ कम्स एंड डांस विनिंग दैट दोज क्लॉथ। सो इस प्रकार से आप लोग सामने क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर कम्प्लीट हो जाता है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट को नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में आप लोग सामने एक पेजेस दी गई है उस पेजेस को पहले आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है ठीक है। जैसे जो दिए उसी समय कुछ नीचे क्वेश्चन दिए गए हैं उनके आंसर देना है। तो पहले क्वेश्चन है हु डू दे रेफर इन द पेजेस। तो इसका आंसर यहाँ से लगेंगे दे रेफर टू फाइव फॉरेस्ट इन पेजेस ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 2 व्हाट डिड द फेरिस कैरी इन देयर हैंड्स। तो इसका आंसर लगेंगे दे वेयर अ कैनिंग थिनी कोबलर ठीक कोबलर टूल्स इन देयर हैंड्स। तो इस प्रकार से आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 लिखा है व्हाट डिड द फेरिस डू व्हेन दे सेट डाउन मेक टू चूज। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आपका यहां से होगा दे सॉन्ग ए डांस एज दे सेट डाउन और टू मेक ए चूज मतलब सूज। तो इस प्रकार से ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर कंप्लीट है। क्वेश्चन नंबर 4 है द कपल हाइड्स। तो हाइड्स का आपको करना है तो हाइड्स का हो जाएगा हाइड एंड जी रहा इस प्रकार से ठीक है जी आपका सही आंसर हो जाता है। इस प्रकार से द कपल हाइड एंड बिहाइंड द डोर। अगला आप रीरेंज द लेटर एंड मेक्स मीनिंगफुल। तो मीनिंगफुल बना तो इसका टूल से लिख देंगे डोल वगैरह सजेगा इसमें सूज आएगा सूज में दूजे जूता ठीक है टूल्स में दूजे औजार। तो इस प्रकार से आप इसमें भर लेंगे ओके। तो इस प्रकार से आप लोग सामने आप क्वेश्चन नंबर 20 का भी कंप्लीट हो गया है ठीक है। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हो लेसन 10 यानी लेसन 10 एक काइंड बॉय मतलब कि एक दयालु लड़का ठीक है। तो इसका अर्थ ये होता है तो मैं इस प्रकार से आपको समझाता जाऊँगा और इसके आंसर भी बताता जाऊँगा ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर है ठीक है 10 के आंसर हैं। तो सब बताओ आप लोग सामने इस प्रकार से पार दिया जाएगा जो कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो ठीक है। तो सर्वप्रथम रहेंगे आप लोग सामने यहाँ पर बस टू में प्रश्न है यानी कि रहेंगे ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन जिसमें आप लोग सामने 4 ऑप्शन दिए जाएंगे 4 ऑप्शन में से आपको एक को सही करना है। तो पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। तो पहले क्वेश्चन यहाँ पर लिखा है द बॉय वाज सिटिंग एट ए टेबल नियर द विंडो डूइंग हिज होमवर्क कम हैव योर ब्रेकफास्ट हु डू यू थिंक कॉल्ड द बॉय। तो इसका आंसर हो जाएगा हिज मदर ठीक है जी आपका सही आंसर है पहले का हो जाएगा ए ऑप्शन। उसमें आपको टिक करके नीचे यहाँ पर लिख देना है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 लगा व्हाट डिड द मदर सी अराउंड द बॉय बुक सेल्फ। तो इसका आंसर की बात करें तो इसका हो जाएगा रेड आंस मतलब कि लाल चीटी। अगला क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें लगा हु इज दैट इम्पोर्टेंट पर्सन विथ हु यू शेयर योर फीलिंग्स इमोशन एंड एक्सपीरियंस। तो क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन फैमिली मेम्बर ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 14 जिसमें लगा है नीरज टेल एंड स्ट्रॉन्ग। तो इसमें नीरज इज तो आपको एज भर देना है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 5 लगा द मील विच वी हैव व्हेन वी गेट अप इन द मॉर्निंग इन द कॉलेज। तो इसका जो ब्रेकफास्ट तो इसका डी ऑप्शन है ब्रेकफास्ट। तो क्वेश्चन नंबर इस प्रकार से इसका आंसर भी यहाँ पर भर देंगे। तो स्टूडेंट इस प्रकार से आप क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 5 तक है पूरे आंसर मैंने आपके सामने कम्प्लीट करा दिए ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग सामने आप फिल इन द ब्लैंक्स यानी कि रिक्त स्थानों की पूरी कीजिए। तो रिक्त स्थान आपके क्वेश्चन नंबर 6 से क्वेश्चन नंबर आपके 10 तक दिए जाएंगे ठीक है। तो उनको मैं करूँगा साथ ही आपकी जानकारी बता दूँ यहाँ पर आपके आंसर दिए गए हैं इस बॉक्स में परंतु इस बॉक्स में उल्टे सीधे आंसर दिए गए हैं इन्हीं में से हमको देख के छांट के भरना है नीचे। तो जैसे कि हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 6 में आ जाएगा बेघर।
क्वेश्चन नंबर छः में आ जाएगा आपका बेगा, तो आपको इस प्रकार से बेगा लिख देना जो कि आप यहाँ पर देख सकते हो। फिर दूसरा क्वेश्चन नंबर सात में आ जाएगा आपका रेड आंट्स मतलब कि लाल चिड़ियाँ। क्वेश्चन नंबर आठ की बात करें तो क्वेश्चन नंबर आठ में आ जाएगा आपका फोर, तो फोर भर देंगे। क्वेश्चन नंबर नौ में आ जाएगा आपका एंड, तो यहाँ पर एंड भर देना। क्वेश्चन नंबर दस में लिखना आपको बुक सेल्फ, तो यहाँ पर बुक सेल्फ आ जाएगा। तो इसमें स्टूडेंट इस प्रकार से आपके सामने क्वेश्चन नंबर छः से क्वेश्चन नंबर दस तक आपके ये पूरे फिलिंग द ब्लैंक्स नहीं देखते स्थान कम्प्लीट हो जाते हैं। चलिए इसी प्रकार से बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, यानी कि आंसर था क्वेश्चन देना आपको एक शब्द या एक वाक्य में देना है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर ग्यारह जिसमें लिखा है व्हाट वाज द बॉय डूइंग सिटिंग एट हिज टेबल नियर द विंडो। तो इसके आंसर की बात करें तो इसका आंसर आ जाएगा ए आ जाएगा इसका आंसर, ही वॉज डूइंग हिज होम वर्क। ये आपका सही आंसर क्वेश्चन नंबर ग्यारह का आंसर जे रहेगा, ही वॉज डूइंग हिज होम वर्क। तो स्टूडेंट इस प्रकार से आपको पूरा वीडियो रुक कर लिख लेना है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपके सामने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर ग्यारह का आंसर कंप्लीट होता है। चलिए बढ़ते हम लोग नेक्स्ट को, तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर बारह जिसमें लिखा आप लोग सामने यहाँ पर लिखा है हु डिड द बॉय फील सॉरी फॉर। तो इसका आंसर देखते तो इसका आंसर हो जाएगा फॉर द बिगर, ठीक है। तो ये आपका सही आंसर हो जाता है क्वेश्चन नंबर बारह का। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर तेरह जिसमें लिखा है फाइंड द एडजेक्टिव इन द फॉलोइंग सेंटेंस एंड राइट। चलिए हम देखते हैं इसमें कौन सा हमको एडजेक्टिव छांटना है। तो एडजेक्टिव कह रहती है विशेषताएँ, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा पुअर, ठीक है। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर तेरह का आंसर हो जाएगा पुअर। चलिए बढ़ते नेक्स्ट को, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर चौदह जिसमें लिखा है प्लीज प्लीज गिव मी समथिंग टू ईट हु शेयर दिस। तो इसका आंसर हो जाएगा बेगर शेयर टू वाई। तो जी आपका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर चौदह का आंसर जी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर पंद्रह जिसमें लिखा है तो क्वेश्चन नंबर पंद्रह में आपको एक से दो वाक्य लिखना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर पंद्रह देखते हैं आंसर जिसमें लिखा है वाई वाज द बॉय नॉट ईटिंग हिज ब्रेकफास्ट। तो इसका आंसर लिखेंगे द बॉय गेव हिज ब्रेकफास्ट टू द बेगर बिकॉज ही वाज वेरी पुअर एंड हंगरी। तो इस प्रकार से वीडियो को रोक कर पूरा लिख लेंगे। चलिए इसका दूसरा क्वेश्चन अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सोलह जिसमें लगा व्हाट वाज द काइंड बॉय लेटर नाउ एज। तो इसका आंसर देखते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा दिस काइंड, याद रखोगे इस प्रकार से दिस काइंड बॉय वाज लेटर नाउ एज नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर सोलह का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सत्रह देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर सत्रह में लिखा है इट इज द राइट शेयर फूड विथ द पुअर एंड हंगरी पीपल एज द बॉय डिड इन द लेसन वाई। तो इसका आंसर हो जाएगा एस इट इज राइट सो शेयर बिकॉज इट इज ए आवर मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये क्वेश्चन नंबर सत्रह का आंसर कंप्लीट है। क्वेश्चन नंबर अठारह के देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अठारह में लगा ली ली राइट लिखना है, मतलब दोबारा लिख देना है। तो दोबारा किस प्रकार से लिखेंगे, इस प्रकार से लिखना है वेड द कीप हिज ब्रेकफास्ट। जी आपका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर अठारह का आंसर जी। क्वेश्चन नंबर उन्नीस, तो क्वेश्चन नंबर उन्नीस में आप लोग सामने कुछ प्रकार से दिया गया है यहाँ पर लेटर लिखना है, ठीक है। तो इस लेटर को लिखेंगे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। चलो इसके हम आंसर देखते हैं जी हाँ। तो इस प्रकार से हमें खाली स्थान है हम भरना है। तो इसमें हम पहले भरेंगे बेल, यहाँ पर थैंक भरेंगे, यहाँ पर लवली भरेंगे, यहाँ पर लाइक भरेंगे, यहाँ पर एग्जाम भरेंगे, यहाँ पर स्टूडी भरेंगे, यहाँ पर लाइन भरेंगे, यहाँ पर आंट, यहाँ पर चीनू। तो इस प्रकार से आप लोग फिलिंग द ब्लैंक्स कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। तो एक प्रकार से क्वेश्चन नंबर बीस उन्नीस का कम्प्लीट हुआ। अब हम क्वेश्चन नंबर बीस, ठीक है, उन्नीस अपना कम्प्लीट, क्वेश्चन नंबर बीस आप लोग समझे। इस प्रकार से पूरे पिक्चर को देखना है, सब इस पिक्चर को समझे। यहाँ पर देखो यहाँ पर बनाना चिप्स दिए गए हैं जो 20% मोर है, क्या है चीज लिखा है, मसाला फ्लैट मसाला फ्लूफाइड रेट कितने लगे 10 रुपये डाले। चलिए इसका देखते हैं। इसका पहला क्वेश्चन लगा यहाँ पर व्हाट इज द नेम ऑफ द प्रोडक्ट गिव द बार्बर। तो ये प्रोडक्ट किससे संबंधित, तो इसका अंदर आपको नाम लगाना है बनाना चिप्स एंड चीज, ये हुआ है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर दूसरा लगाए व्हाट आर द क्लिप एंड मेड अप ऑफ। तो इसका आंसर हो जाएगा कितना, तो इसका आंसर हो जाएगा द क्लिप्स आर मेड अप ऑफ द बनाना। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर तीसरा जिसमें लगा है व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ चीज। तो लिखना है इसका आंसर द कॉस्ट ऑफ चीज नेट 10 रुपये। अगला आप लोग सामने मसाला फ्रेज यूनिट बनाना चिप्स अंडरलाइन वर्ड द नाउन या वर्ब। तो अंडरलाइन है तो ये क्या वर्ब है या नाउन, तो ये क्या है वर्ब है, ठीक है। फिर पाँचवा फाइंड अपोजिट वर्ड ऑफ द लेस, लेस का हो जाएगा मोर। तो इस प्रकार से आप लोग सामने बीस का क्वेश्चन बीसवा क्वेश्चन कम्प्लीट हुआ। उस प्रकार से आप लेसन 11 यानी लेसन 11 ए मून बैन कम्स, ठीक है।
तो इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन आएंगे पाठ का नाम से, तो हम उसके क्वेश्चन के आंसर अपने बुक में भरेंगे, साथ ही आपको मैं अच्छी तरह से समझाऊंगा। चलिए तो जैसे कि आप देख सकते हो, सर्वप्रथम पेज आपका इस प्रकार से दिया जाएगा, ठीक है, कवर लेसन 11 ए मून बेन कम्स। चलिए तो पहला सर्वप्रथम देखते हैं, तो सर्वप्रथम रहेंगे आपके सामने यहाँ पर फर्स्ट प्रश्न, यानी कि सही विकल्प चुनकर लिखना है। आप लोग सामने यहाँ पर एक ऑप्शन दिया जाएगा, यानी एक क्वेश्चन के चार ऑप्शन आएंगे, चार ऑप्शन में सबको एक को सही करना है। तो पहला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, पहला क्वेश्चन लगा व्हाट कम्स डीप इन द नाइट, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आप लोग सामने यहाँ पर मूनब्रीम, ये कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो सी ऑप्शन सही है मूनब्रीम। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर दूसरा जिसमें लिखा है वेयर डज द मूनब्रीम क्लिम, तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन सही है ऑन द विंडो सील। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं, क्वेश्चन नंबर तीसरा लगा है इफ मूनब्रीम कम्स एंड द वुड बी विथ पेसिफिक चूज, तो क्वेश्चन नंबर तीसरे का हो जाएगा मून, क्या है सी ऑप्शन सही है मून। तो अगला है क्वेश्चन नंबर चौथा है जिसमें लगा पिक द वर्ल्ड अपोजिट आउट, तो इसका आंसर है सैंड, एस ए एन डी सैंड, डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर पाँचवा लगा है द राइमिंग वर्ड ऑफ द बीम इज, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ड्रीम्स, सी ऑप्शन सही है। तो इस प्रकार से आपके सामने क्वेश्चन नंबर एक से क्वेश्चन नंबर पाँच तक आपके सही आंसर कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक है। हम पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, यानी कि फिल इन द ब्लैंक्स, ये है आप लोग सामने यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स। साथ ही आपकी जानकारी लिए बता दूँ यहाँ पर जो फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए हैं आपके, तो इस प्रकार दिए गए हैं, पहले में आपको इसलिए भरना, दूसरे में टिप बी टू आई भरना, तीसरे में लैंड भरना, चौथे में आपको क्लोज और पाँच में आपको गोल्ड। तो इस प्रकार से आप वीडियो को रुक कर पूरे 6 से लेकर 8, 9, 10 तक भर सकते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर आप लोग सामने आंसर टाइप क्वेश्चन दिए गए हैं, ठीक है, तो इनको हम एक शब्द एक वाक्य में लिखेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 11 जिसमें लिखा है व्हेन डज द मोरमेर क्लिम द विंडो सिल, तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोग यहाँ पे इस प्रकार से हो जाएगा इसका आंसर, जो लिखोगे आप लोग डीप इन द नाइट व्हेन ऑल इज सेट स्टिल ए मोरमेर क्लिम द विंडो सिल, ठीक है, तो ये आंसर सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 12 जिसमें लिखा था What does the moonbeam see over the bed? तो इसका लिखोगे the moonbeam comes and the watch you sleep over your bed। तो इस प्रकार से आप सुनो क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर कंप्लीट हो जाए। क्वेश्चन नंबर 13 लिखा है राइट अपोजिट साइड फ्रॉम द फॉलोइंग बर्ड, तो बेकअप का हो जाएगा स्लीप, ठीक, बेकअप में लिखोगे स्लीप और इसमें स्वेलो में लिखोगे डी। तो इस प्रकार से आप सामने क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 14 का देखते हैं राइट राइमिंग बर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग बर्ड, तो लाइम वर्ड हम करना, तो लाइम वर्ड तो बंदी कहला दे, सेड का हो जाएगा लैंड, सेंड का हो जाएगा लैंड और स्टील का हो जाएगा सील। तो इस प्रकार से आप लोग इसके भी लाइम वर्ड बना बना सकते हैं, साथ लिख भी सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देख रहे हैं, तो क्वेश्चन नंबर 15 में आप लोग सामने आया लघु उत्तरीय प्रश्न है जो आपके शॉर्ट था एक वाक या दो वाक में लिखना पड़ते हैं। चलिए तो जैसा कि आप लोग देख सकते हो कि क्वेश्चन नंबर 15 लिखा है व्हाट हैपेंड इन द नाइट व्हेन ऑल इज स्टिल, ठीक जी, तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोग सामने यहाँ पर इस प्रकार से, इसमें लिखेंगे हम ए मूनब्रीम क्लेम द विंडो सिल ऑल इज स्टिल। तो ये क्वेश्चन 15 का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं जिसमें लिखा है व्हाई डज द मॉडर्न कम्स ए जेंटल फीट, तो इसका आंसर जी रहा क्वेश्चन 16 का ये है, जो कि आप लोग यहाँ से लिख देंगे द मून, यहाँ से द मून कम्स ए जेंटल फीट टू द टच योर आइस विद गोल्डन वी कम्स एंड टेक्स योर टू बीच लैंड ऑफ ड्रीम। तो इस प्रकार वीडियो को रोकर पूरा आप लोग आंसर लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर कम्प्लीट। क्वेश्चन नंबर 17 देख रहे जिसमें लगा है टू विच लैंड डज द मूनब्रीम टेक योर, तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर जी रहा है जो होगा द मूनब्रीम टेक योर टू द लैंड ऑफ ड्रीम। क्वेश्चन नंबर 18 में आप लोग सामने यहाँ पर मीनिंग देना हमें, तो यहाँ पर हो जाए जेंटल, तो इसमें हम लोग खालिस्तान में ई एन टी एल भर देंगे, यहाँ पर ओ यू सी एच भर देंगे, तो जेंटल और टच की आपकी मीनिंग पूरी तरह से कंफर्म कंप्लीट हो जाती है। चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट को, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग सामने दी गुत्ती क्वेश्चन यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन के आंसर, तो इनको हम देखते हैं। तो पहला लगा लो सामने क्वेश्चन नंबर 19 में उन्होंने पूछा है राइट 5 सेंटेंस अबाउट एनी नेचुरल ऑब्जेक्ट यू सी स्काई सन मून स्टार, इन तीनों के बारे में हमको लिखना है, कोई कहने 5 सेंटेंस, तो ऐसे लिखेंगे हम, तो जी रही 5 सेंटेंस।
तो जो है अर्थ के बारे में, द अर्थ सॉरी द स्टार, स्टार के बारे में, द स्टार डेट द नियरेस्ट द अर्थ, द अर्थ रिसीव्ड हीट द एंड लाइट, द सन एंड द टेबल्स ए अराउंड इट, एन ऑब्जेक्ट एट द सर्कल अराउंड प्लेनेट, और पांचवा द अर्थ है जो ऑन मून। तो इस प्रकार से आप वीडियो को क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर पूछता है आपके सामने आपको कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 में आप लोग सामने यहाँ पर एक यहाँ पर पोएम दी गई है, जो पोएम आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। इस पोएम को पहले आप लोगों को ध्यानपूर्वक पढ़ना है, ठीक है। क्या करना है, इसको पहले पूरी तरह से आप लोग पढ़ लीजिए, ठीक है। पढ़ने के बाद इससे संबंधित कुछ नीचे क्वेश्चन दिए गए हैं, उन क्वेश्चन के आंसर देना है। तो पहले क्वेश्चन देख लेते। पहला क्वेश्चन लगा है, व्हाट डज द पोएट वांट टू सी, तो जो कवि है वो क्या चाहता है, क्या देखना चाहता है। तो इसका लगेंगे द पोएट वांट टू सी मून एंड मार्स, तो ये इसका पहले का आंसर हो जाएगा। दूसरा लगा, डज द पोएट वांट टू गो अलोंग ऑफ विच हिज हर फ्रेंड, तो इसका आंसर है द पोएट वांट टू गो विथ हर फ्रेंड, तो क्वेश्चन नंबर दूसरे का आंसर जो है। क्वेश्चन नंबर तीसरे की बात करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर तीसरे में लिखा है, वेयर आर दे प्लानिंग टू विजिट, तो इसका आंसर हो जाएगा दे आर प्लानिंग विजिट ऑफ मार्स, तो जी आप लोग सामने क्वेश्चन तीसरे का आंसर है। क्वेश्चन नंबर चौथा लगा, हाउ डज द स्टार साइन द स्काई, तो इसका आंसर लगेगा चौथे का, द स्टार साइन लाइक डायमंड इन द स्काई। पांचवा लगा, राइट द एनी राइमिंग वर्ड फ्रॉम द पेजेस, तो राइमिंग वर्ड देखेंगे तो मार्स स्टार्स और फ्लाई स्काई। तो स्टूडेंट इस प्रकार से आप लोग सामने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका ये पूरे कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर 20 तक आपका पूरे कंप्लीट हो गया, और इस प्रकार से आप लोग सामने यहाँ पर पार्ट आपका 11 कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आप लोग देख सकते हो सबसे पहले यहाँ पर लगा है लेसन 12 बीरबल एंड द वॉचमैन, ठीक है, लास्ट पार्ट है आपका किताब का, ठीक है, किताब में पढ़ जाएगी आपकी, ठीक है। चलिए इसको पूरी तरह से अच्छी तरह से देख लीजिए। तो सब प्रथम आप लोग सामने यहाँ पर रहेंगे बस्टू रिपेशन, जैसा कि हम लोग देखते आ रहे हैं प्रत्येक पार्ट, प्रत्येक पार्ट में हम लोग सामने बस्टू रिपेशन दिए गए हैं। चार ऑप्शन रहते थे, चार ऑप्शन से हमको खुद सही करना पड़ता था, उसी प्रकार से पूरे पार्टों में इसी प्रकार से रहेगा जिस प्रकार से इसमें भी दिया गया है। तो पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर लिखा है, हु एक्सेप्टेड द किंग चैलेंज टू स्टैंड इन द रिवर, तो इसका आंसर हो जाएगा दीनू, क्या हो जाएगा दीनू, यानी सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है आप सामने आप क्वेश्चन नंबर दूसरा, जिसमें लगा हु ब्रॉट जस्टिन दीनू, तो इसमें लग जाएगा जस्टिन दीनू, डी ऑप्शन हो जाएगा बीरबल, ठीक है, बी ऑप्शन है आपका बीरबल हो जाएगा इसमें, ठीक है। तो बीरबल टिक करके आप लोग नीचे लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा लगा है, अकॉर्डिंग टू यू हु वाज द मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन एक्वर कोर्ट, तो इसमें हो जाएगा बीरबल, ठीक है, ए ऑप्शन सही है बीरबल। क्वेश्चन नंबर आपका चौथा, जिसमें लगा है तनीषा वांट टू होम आफ्टर वॉचिंग द मूवी, तो इसमें आ जाएगा हैप्पली, ठीक है, जी आपका सही आंसर है डी ऑप्शन सही हो जाता है हैप्पली, ठीक है, इसको सही कर लेना और नीचे लिख लेना। क्वेश्चन नंबर पांचवा है, ए पर्सन हु वर्क इन ए किंग कोर्ट ए कॉलेज, तो इसमें सी ऑप्शन जितना आया कोर्टियर। तो इस प्रकार से आप लोग क्वेश्चन नंबर एक से क्वेश्चन नंबर पाँच तक आपके पूरे वस्टू रिपेशन कम्प्लीट होते हैं, आशा करता हूँ आप लोग समझ में जरूर आ रही है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेंगे आप लोग सामने फिल इन द ब्लैंक्स, क्या रहेंगे फिल इन द ब्लैंक, जिससे आप लोगों को नीचे एक बॉक्स में उसके आंसर दिए जाएंगे, जैसे कि दिखे तो इन्हीं आंसर को आपको सही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो क्वेश्चन नंबर छठवें में लिखना आपको वॉचमैन, पहली वाली में आपको वॉचमैन भर देना है, ये वाला यहाँ से, ठीक है, और सातवीं वाले में, सातवीं वाले में आपको लाइट भर देना है, पर जी लाइट लिखा है तो लाइट भर देंगे, और आठवीं वाले में हमको गार्ड भरना है, ये लिखा जी यू ई आर डी, तो गार्ड भर देंगे, और दस नौ में लिखा आपका हॉट, नौ में भरना आपको हॉट, और दसवीं खाली स्थान भरना आपको क्राउन, क्राउन। तो इस प्रकार से आप लोग क्वेश्चन नंबर छः से लेकर क्वेश्चन नंबर दस तक आपका पूरी तरह से क्रम संपूर्ण हल होता है। चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट को, नेक्स्ट आपके सामने वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, मतलब कि बहुत ही सरल क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं, तो इन क्वेश्चन के आंसर हमें लिखना है, जो कि एक शब्द है वो एक वाक्य में लिख सकते हैं। तो पहला लिखा आपके सामने, व्हाट वाज द बीरबल नाउ फॉर, तो इसका आंसर लगभग बीरबल नाउ फॉर हिज विथ इंटेलिजेंस एंड विंडोज, तो इसका ये सही आंसर है, जो कि आप वीडियो को लिख सकते हो। अगला क्वेश्चन नंबर 12, जिसमें लगा दिस इज द गुड अपॉर्चुनिटी आई शुड ट्राई माई लक, हु सेड दिस, तो क्वेश्चन नंबर 12 था जी आपका क्वेश्चन नंबर 12, तो इसका आंसर देखते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा जी दीनू सेड दिस, तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर है, ठीक है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, जिसमें लगा है राइट द एडवर्ब ऑफ लोड, जब समय लोड लगा है तो उसका एडवर्ब बना है, क्वेश्चन नंबर 13 का हो जाएगा लोड का हो जाएगा लाउडी, इस प्रकार से एल ओ यू डी एल वाई यानी लोडी। तो इस प्रकार से आप लोग क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर कंप्लीट है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 लगा है व्हाट डू वी सेल ए पर्सन
ट्रीट ए पेटेंट। तो क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 14 लगना आपको डॉक्टर, तो यहाँ पर डॉक्टर हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 15, तो क्वेश्चन नंबर 15 आपके एक वाक या दो वाक में लिखना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 15 लगा, अकॉर्डिंग द दीनू व्हाट वाज ए गुड अपॉर्चुनिटी ऑफ हिम, तो इसका आंसर हो जाएगा इस प्रकार से, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर जी रहा है, जिसमें लगभग आप लोग अकॉर्डिंग टू दीनू स्टैंडिंग इन द रिवर वाज गुड अपॉर्चुनिटी फॉर हिम। तो इस प्रकार से आप वीडियो को रुक कर पूरा पूरा आंसर लिख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 लगा, री राइट द सेंटेंस चेंजिंग बोथ द अंडरलाइन, तो यहाँ पर जो अंडरलाइन दी गई यहाँ पर इनको हमको क्या करना है, चेंज करना है। तो जैसे कि कैट को करेंगे माउस को करेंगे, तो किस प्रकार चेंज करेंगे, चलिए वो आपके सामने आप बताने जा रहा हूँ। तो यहाँ पर आ जाए द कैट जंपेड अपॉन द माइक्स, ठीक है। तो इस प्रकार से इनको चेंज भी कर दिया आप लोगों ने, लिख भी दिया। तो इस प्रकार से आप वीडियो को रुक कर क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर लिख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 17, डू यू थिंक द वॉशरमैन टू द राइट डिसीजन टू स्टैंड इन द क्लाउड वाटर गेट रिवर वाई, तो इसे कहेंगे यस आई थिंक द वॉशरमैन टू राइट डिसीजन टू स्टैंड इन द क्लाउड वाटर टू गेट द रिवार्ड बिकॉज डेट वॉशरमैन गॉट ए चेंज टू फोर हिम्स। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर पूरी तरह से आपके सामने यहाँ पर कम्प्लीट हो जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इसको भी पूरी तरह से कम्प्लीट कर लें। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 18 लिखा है रीअरेंज द वर्ड टू मेक मैनीफोल्ड सेंटेंस, तो इसे मैनीफोल्ड सेंटेंस बनाएंगे तो ये हो जाएगा द वाटर ऑफ रिवर इज कोल्ड। तो ये सही आंसर है, क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें, सॉरी इसको भी भर लेना है या आपसे इसको भी, इस प्रकार से भी आपके सामने क्वेश्चन उठा के ये आंसर है। क्वेश्चन 19 जैसे कि हम सभी पता है लॉन्ग है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, जिसमें कहना है लुक एट द पिक्चर केयरफुली एंड राइट द फाइव सेंटेंस। तो इस कहने का अर्थ है कि इस पिक्चर को देखने पहले सब बताऊँ आपको, इस पिक्चर को देखने के बाद आपको पाँच सेंटेंस बनानी, पाँच वाक्य लिखने। तो चलिए इस प्रकार से हम पाँच वाक्य बनाएंगे। तो पहले हम लिखेंगे ए वॉशरमैन इज स्टैंडिंग एट ए डोर, दूसरे लेंगे ए मैन इज अ सीलिंग डॉय, तीसरे लेंगे ए क्राउ इज अ सिटिंग ऑन द काउ, चौथा चिल्ड्रेन आर सिटिंग नियर ए द मैन हु सिट वाय द टॉय सेलर हैज ए लेट टॉय। तो इस प्रकार से आप लोग सामने यहाँ पे पूरा पूरा आंसर पूरी तरह से आप लोग लिख सकते हो, साथ इसमें आप लोग देख भी सकते हो, ठीक है। चलिए इस प्रकार से आप लोग वीडियो को रुक कर लिख लेना। क्वेश्चन नंबर आप लोग सामने यहाँ पे 20 में आप लोग सामने यहाँ पे एक मंजन दिया गया है, जिसको इसका एडवर्टाइजमेंट यानी नोटिस दिया गया है, तो इसको देखना फिर से संबंधित क्वेश्चन यहाँ पर है, क्वेश्चन पूछे गए क्वेश्चन का आंसर देना है। तो पहले क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ द प्रोडक्ट, मतलब इस प्रोडक्ट का नाम क्या है, तो क्या नाम है ओरोमेंट टूथपेस्ट इस प्रोडक्ट का नाम है, ठीक है, जो कि यहाँ पर लिखा था ओरोमेंट टूथपेस्ट, तो हम लोगों ने यहाँ पर भी लिख दिया है। दूसरा हाउ मच यू हैव इट पे फॉर ओरोमेंट, तो इसका कितना रेट है, इसका रेट है रेट 40 रुपये, जो कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। व्हाट इज द वेट ऑफ द प्रोडक्ट, तो इसका वेट कितना है, तो 50 ग्राम है, तो हम लोगों ने ये लिख दिया 4 स्टोन 8 टीथ नेटवर्क, ये हो जाएगा 50 ग्राम। विथ द प्यूला ऑफ द बूथ, मतलब कि टूथ का प्यूला क्या हो जाए टीथ, और गिव अपोजिट ऑफ बीक, बीक का क्या हो जाए, बीक मीन्स होता है कमजोर स्ट्रॉन्ग मीन मजबूत, तो इस प्रकार से आप लोग सामने आप इसका अपोजिट हो जाए। तो स्टूडेंट इस प्रकार से आप लोग सामने आपका पार्ट एक से लेकर पार्ट 12 तक आपके पूरे पेपर पूरे पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं, मतलब कि आपकी कक्षा 6वीं की इंग्लिश की 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तक पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी है। अब आप लोग हमें कमेंट करके बताएं कि आप कोई कौन से विषय की मैं संपूर्ण सोल्यूशन लाऊं, कि विज्ञान हिंदी सामाजिक जो विषय की नहीं हुई, तो आप लोग कमेंट करके बताएं, तो हम उसका मैं अगला वीडियो उसका आएगा उसी का वीडियो लाऊंगा। और साथ ही आप लोग जानकारी बता दूं कक्षा 6वीं वाले जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को यहाँ तक देखे हैं, सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि आपके पेपर आने वाले हैं, तो पेपर भी मैं लाऊंगा, तो जिससे आप लोग अच्छे नंबर प्राप्त कर सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।